बादशाह। हाँ मास्टर जी, शुरू करो। भूख लगी है, हम खाने के बाद पूरी ताकत से शुरू करेंगे मास्टर जी। करके दिखाओ मुझे जो मैंने किया, उसके बाद खाना खा लेना। उन लोगों को सिखाकर जो पैसा कमाते हो वो दवाइयों में ही खर्चा हो जाता है। बिना वजह अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। इतने सालों के अपने एक्सपीरियंस में मैं पहली बार एक बेजोड़ फाइटर देख रहा हूँ। भाई साहब ने फोन किया था? हाँ, उन्होंने मुझे भी फोन किया था। उन्हें हमारी बेटी पसंद है और वो चाहते हैं शादी जल्दी हो जाए। अगर आपको कोई फिल्म मिल जाए तो हमारी बेटी की भी शादी जल्दी तय हो जाती जी। इस धर्मराज का समय पूरा हो चुका, किसी डायरेक्टर को मेरी जरूरत नहीं रही। अपने समय के फेमस स्टंट मास्टर को अपनी बेटी की शादी के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़ रही है आज। ये कैसे सोच सकते हैं कि किसी को आपकी जरूरत नहीं है? आपने क्या किसी पहचान वाले से काम के लिए बात की है? आप यूं ही किसी पे इल्जाम मत लगाइए। ऐसी बात नहीं है, अब वो बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं। मुझे इस हालत में देखकर क्या सोचेंगे, यही सोचकर। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? वह कोई अपमान नहीं होगा आपका। वो आदित्य नई फिल्म शुरू करने वाले हैं, बादशाह बता रहा था, जाकर मिल सकते हैं ना उनसे? ऐसे बात नहीं बनने वाली। जरूर बनेगी, आप एक बार आदित्य से मिलकर तो देखिए। हाँ जा रहे हैं अभी, बाद में कॉल करता हूँ। सुरेश इसे अंदर रखो। सर सत्या सर, हाँ? मेरी स्क्रिप्ट देख लीजिए प्लीज। क्या यार, तुम कई महीनों से स्क्रिप्ट को लेकर चक्कर काट रहे हो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि आदित्य सर दूसरों की स्क्रिप्ट को लेकर फिल्म नहीं बनाते हैं। सर सिर्फ 10 मिनट सर। देखो यार, आदित्य सर पहले से ही 6 प्रोजेक्ट साइन कर चुके हैं और 10-12 प्रोड्यूसर वेटिंग में है। तुम एक काम करो, तुम 15 साल बाद आना, बार बार आकर परेशान मत करना। सर आदित्य सर अंदर एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके बाद बाहर आएंगे। अभी मेरा क्रेज एक्शन सिनेमा का है, कल को ये चेंज भी हो सकता है। मेरी एक्शन फिल्में दर्शक पसंद भी कर रही हैं। रोमांस और फैमिली टाइप सिनेमा मेरे बहुत सारे दोस्त डायरेक्टर्स बना रहे हैं। ओके एग्री, बट आपके आने वाली फिल्म के हीरो फ्लॉप फिल्म ही देते आ रहे हैं, मिस्टर प्रेम कुमार, जिनके सिर्फ पहली फिल्म में हिट थी। इस इंडस्ट्री में कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए,
सिर्फ एक शुक्रवार आदमी के लक को 180 डिग्री घुमा सकता है। अमिताभ बच्चन ने 13 फिल्में फ्लॉप देने के बाद एक हिट दी थी। ऐसे और भी बहुत लोग हैं। इसका मतलब वो लोग बुरे तो नहीं है ना? प्रेम कुमार होम मिनिस्टर के बेटे हैं, इसलिए आपने दोबारा अपनी फिल्म में लिया, ऐसी अफवाहें हैं। अगर ऐसा है तो मैं चीफ मिनिस्टर के बेटे को हीरो ले सकता हूँ, इसमें गलत क्या है? प्रेम कुमार मेरा अच्छा दोस्त है और इस इंडस्ट्री में अच्छे रिलेशन से ही अच्छी फिल्में बनती हैं। प्रेम कुमार ही नहीं, गौरी बालन जो आज हमारी इंडस्ट्री की नंबर वन हीरोइन है, मेरी पहली फिल्म की हीरोइन थी वो, और आने वाली फिल्म में भी रहेगी। इसमें बुराई क्या है? अच्छा सोचेंगे तो परिणाम अच्छा ही होगा। बी पॉजिटिव। ओके सर, सर मैं चलती हूं। सुनिए सर, सर जाओ सर, क्यों सर, क्या चल रहा है? अरे दो मिनट सर, तुम बात करो। अरे सर एक मिनट, मैं चला जाऊंगा सर, दो मिनट सर। सर मेरा नाम कृष्णा सर, पिछले 1.5 साल से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ सर। मैं आपको ये स्क्रिप्ट सुनाना चाहता हूँ सर, लेकिन ये लोग मुझे कुछ ना कुछ बोलकर बाहर से ही भेज देते। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि इनसे नहीं मिल सकता, निकलो बाहर यहाँ से। कृष्णा तुम्हें काम करो, अभी जाओ और शाम को आना। इतनी मोटी स्क्रिप्ट में अभी नहीं पढ़ सकता। एक काम करो, अगर 10 मिनट में तुमने मुझे अपनी स्टोरी से इंप्रेस कर दिया, मतलब इंस्पायर किया, तो देखेंगे। यस सर। जाओ। थैंक यू सर। जाओ। ये क्या किया सर? ऐसे आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ऐसे न जाने कितने लोगों को तुमने बाहर से ही निकाल दिया होगा, न जाने कितने सारे सपने लेकर वो लड़का यहाँ आया होगा। तुम्हें याद है बहुत साल पहले झुमरी तलैया से ट्रेन में बैठकर मुंबई आए थे, तो तुम्हारे भी ऐसे ही सपने थे, भूल गए क्या? इसलिए ये बात हमेशा याद रखना। क्या हुआ? झुमरी तलैया, तुम अब भी उसी ट्रेन के अपर बर्थ पर सो रहे हो, वो भी चादर ओढ़ के। तुम किसी भी स्टेशन पर उतरे ही नहीं, बहुत से लोग नीचे उतरे और अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच भी चुके, लेकिन तुम पिछले 15 सालों से जहाँ पर थे वहीं पर अब भी हो, एसोसिएट डायरेक्टर। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अपने आप को बदलो और इम्प्रूव करना सीखो। सुनिए सर, बाहर कुछ लोग मिलना चाहते हैं, प्रोड्यूसर देवदास और वो राइटर अपना वासुदेव मेनन, और वो कोई पुराने स्टंट मास्टर पृथ्वीराजन, नहीं नहीं धर्मराज मास्टर। धर्मराज मास्टर? हाँ। तो अब तक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम ना उन्हें अंदर बुलाओ। हाँ। मास्टर आपने तो मुझे बहुत ही धर्म संकट में डाल दिया। इस फिल्म में प्रेम कुमार हीरो है, बड़ी बात यह है कि वो होम मिनिस्टर का लड़का है। पिछले 3 सालों से ये राज्य उसी के हाथ में है। मेरी पहली फिल्म में भी वो ही हीरो था, उसके बाद उसकी सारी फिल्में लाइन से फ्लॉप होती चली गई, तो वो रोते हुए मेरे पास आया और मैंने उसे इस फिल्म के लिए हाँ कह दी। आप तो जानते ही हैं, वो जितना बुरा एक्टर है उतना बुरा फाइटर भी। और इस फिल्म में 6 फाइट सीन है, अब वो भी अपना दोस्त ही ठहरा। अगर फाइट मास्टर अच्छा ना हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उसने अपना एक फाइट मास्टर को चुना है, वो कोई और नहीं आपका ही शिष्य उदय है, आप तो जानते ही होंगे। उसको एडवांस देकर फाइनल कर दिया है, उसे कैसे बदले आप ही बताइए। मास्टर अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं मदद करूंगा। नहीं, बात ये नहीं है, मुझे तो बस काम चाहिए था। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ आपको परेशान करने के मकसद से बिल्कुल नहीं आया था। अब आप तो मेरी मजबूरी समझ ही सकते हैं, दोबारा परेशान नहीं करूंगा आपको। चलता हूं। सत्या। हाँ क्या हुआ सर? होम मिनिस्टर के ऑफिस में फोन करूँ और उन्हें बताओ कि मैं प्रोड्यूसर से मिलना चाहता हूँ। ठीक है। फोन। हाँ हेलो, नमस्ते सर। हाँ कल सुबह आ जाऊंगा मैं। ओके सर, गुड नाइट। मास्टर आप लंबे समय से फील्ड में नहीं हैं, ऐसे में प्रेम कुमार और प्रोड्यूसर को बनाना बहुत मुश्किल था। कल मैंने बताया था ना कि 6 फाइट सीन है इस फिल्म में, उसमें से 1 फाइट आप करेंगे मास्टर जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने इस बूढ़े आदमी की मदद की है, मैं वादा करता हूँ आपको बिल्कुल निराश नहीं करूँगा। लेकिन एक परेशानी है, इस फिल्म के सारे फाइट सीन बहुत ही रिस्की हैं। बात यह है कि अगर उदय के असिस्टेंट आपको फाइट्स में हेल्प करते हैं तो प्रोड्यूसर की तरफ से ओके, खासकर प्रेम कुमार के लिए।
बिना डुप्लीकेट के तो वो छोटी से छोटी दीवार भी नहीं कूद सकता है। बाकी के जो फाइट्स हैं वो उदय कर रहा है ना, तो वो मुझे हेल्प जरूर कर देगा और फिर वो मेरा शिष्य भी तो रह चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है। धर्मराज मास्टर। ठीक तो हो ना मुन्ना? मैं ठीक हूँ। उदय से मिलना था मुझे। वो अंदर हैं, काम मिला है उनको। आप अंदर आइए। आप चिंता मत कीजिए मोहन सर, आपको चार दिन में फाइटर मिल जाएंगे। मास्टर को फोन देता हूँ। हाँ बोलो। आज का दिन बहुत खराब है यार, किसी को वापस भेजना है, उसके बाद आता हूँ तुमसे मिलने। नहीं, रहने दो बेटे। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन इस उम्र में इन सब की क्या जरूरत है। प्रोड्यूसर ने फोन किया था, पर्सनली मुझे रिक्वेस्ट किया था कि फिल्म के सारे फाइट सीन मैं ही करूंगा, लेकिन इस तरह डायरेक्टर का रिकमेंडेशन लेकर किसी के काम में बीच में टांग अड़ाना आपको चीप नहीं लगता मास्टर? अगर बात यह है कि आपको बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए तो उसके लिए चंदा इकट्ठा करो ना। इस मामले में मैं आपकी मदद अच्छी तरह कर सकता हूँ। मैं यहाँ तुमसे भीख मांगने नहीं आया हूँ। ठीक है, मेरी कुछ परेशानियाँ हैं, पर वो हमेशा नहीं रहने वाली। इतने सालों के बाद कोई काम मिला है मुझे, तुम उसमें मेरी मदद करोगे या नहीं, बस यही पूछने आया हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे पास से एक दो असिस्टेंट्स की जरूरत थी, तुम दे सकते हो तो बोलो। आप पागल हो गए हैं क्या? आज के दिन में इंडस्ट्री में मेरी पोजीशन क्या है, मेरी फेम कितनी है, ये सब मैं आपको बताकर बोर नहीं करना चाहता। घर में बैठकर रामायण पढ़ने के बजाय धर्मराज मास्टर ने जो बेवकूफी करने का सोचा है उसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, और ना ही मैं अपने किसी भी असिस्टेंट को भेज पाऊंगा। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरी टीम में रस्सी पकड़कर खींचने वाले एक्सपीरियंस लोगों की काफी जरूरत है। अगर आप करना चाहते हैं तो डेली बेसिस पे ये काम मैं दूंगा, करना है तो बताइए। बहुत खुशी हुई बेटा, दिल भर आया। आज इतने सालों के बाद जब एक गुरु मजबूर होकर अपने शिष्य के पास मदद मांगने के लिए पहुंचा है, तो वो शिष्य आज अपने ही गुरु को रोज का खर्चा पानी देने की बात कर रहा है, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मेरा शिष्य बड़ा हो गया है, बहुत खुशी हुई मुझे। हे भगवान, माफ करना, भगवान तुम्हें माफ करे। मैं चलता हूं मुन्ना। मैं सब सुन चुका हूं मास्टर जी। वो बहुत निर्दयी आदमी है, जिसे भगवान की तरह मानना चाहिए उसके साथ ऐसा बर्ताव। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि अगर मैं उदय के खिलाफ गया तो वो मेरी दाल रोटी बंद करा देगा। हम दोनों ने एक साथ एक ही जगह से काम सीखा, लेकिन क्या फायदा मास्टर जी? मुन्ना, ड्राइवर को बोल कार निकाले। हाँ। कोई बात नहीं, सब समझता हूँ मैं। सत्य, मनोहर और कमल, इन सब के पास क्या तुमने जाकर पूछा है बादशाह? मैं इन सब से मिल चुका हूँ, लेकिन मास्टर जी से जिन लोगों ने भी काम सीखा है सबने मुझे बहुत इज्जत दी, लेकिन अब कोई भी साथ आने को तैयार नहीं है। बाबा, आपको याद है एक बार उसी उदय से झगड़ा करके कोई वापस चला गया था? एंटनी। हाँ बादशाह, बहुत तेज लड़का था वो, बहुत तेज। हाँ तेज तो था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं उसका। उस दिन क्या हुआ भूल गया मास्टर जी? मैंने आपसे हजारों बार बोला था कि वो हमारे साथ नहीं आने वाला। मैंने बोला था कि उदय घमंडी हो गया है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी मास्टर जी। अब देख लिया ना आपने, एंटोनी बहुत सारे सपने लेकर आया था, लेकिन यहां से रोते हुए वापस गया। मास्टर जी, अगर आपने अपने भतीजे की बात सुनी होती तो आज एंटोनी उदय से भी आगे होता। बस करो, उदय और एंटनी का झगड़ा जब तक मेरे और मेरी बहन तक पहुंचता उसे जाने को कहना मेरी मजबूरी थी बादशाह।
वो इसे अच्छी तरह समझता था। मान लिया वो समझता होगा, लेकिन उसका करियर उसी समय खत्म हो गया। मास्टर जी आपके निकालने के बाद किसी ने उसे अपने साथ नहीं रखा। इतने सब के बाद आप उसे वापस ला पाओगे? अभी वो कहां पर है? ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। चलो देखते हैं। है बशीर, बुखार का फेंक दो उसे। मारो हथौड़ा, मेरी जगह है। ये मैं बताऊंगा कि कहां पर गाड़ना और कहां पर उखाड़ना है। ठीक है, तुम ही बताना, लेकिन अगर बेचोगे तो सिर्फ कॉलोनी के आदमी के हाथों। इस कॉलोनी के लोग इसे सोने के भाव में भी खरीदेंगे। नहीं चाहिए, मैं यहाँ के किसी भी आदमी को इसे नहीं बेचूंगा। पागलों जैसी बात मत करो बशीर, तुम तो जानते हो ना इस कॉलोनी के अपने नियम कानून हैं। आज सुबह 11 बजे तक ये जगह सब रजिस्टर ऑफिस में मेरे नाम पर रजिस्टर हो जाएगी। और मुझे जो पैसा मिलना है वो मुझे मिलेगा ही। नहीं बशीर भाई, तुम ऐसा नहीं करोगे। हमने इस कॉलोनी के बाहर के किसी भी आदमी को ये जमीन नहीं बेची है। हम लोग इसी जमीन में खेले हैं, बड़े हुए हैं। इस जमीन से हमारा बहुत लगाव है। इसे नुकसान पहुँचाने अगर बाहर के किसी भी आदमी ने यहाँ कदम रखा ना बशीर भाई, रखा तो उसके पैर तोड़ डालेंगे। पैर तोड़ेगा? देखा बशीर, जैसा चाचा ने बोला हम तोड़ भी देंगे। उसके लिए हम लोगों को किसी बाहर वाले को बुलाने की जरूरत नहीं है। चाचा की एक ही आवाज़ काफी है। आने दो उसे, ये जमीन यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है, और तुम भी देख लेना। चल फुट बे। रजिस्ट्रेशन का सब काम ठीक से हो रहा है ना? उसे रहने दो भाई, वो सब मैं कर लूंगा। उन लोगों की जो औकात मैं जानता हूँ। अगर दोबारा कुछ किया तो उसके लिए भी मैंने कोल्हापुर से आदमी बुलवा लिए हैं। तुझे पैसा मिले तो तू अपने माँ बाप की भी बोली लगा देगा,
लेकिन याद रखना, फाइव स्टार कॉलोनी की जमीन की एक मुट्ठी मिट्टी भी तू बेच नहीं पाएगा। अगर बेची तो मैं तेरे हाथ काट दूंगा। ये एंथनी का वादा रहा, और तू जानता है ना, मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, वरना एंथनी मेरा नाम नहीं। एक चाय अकड़ू को दे, बैठे बैठे मुंह ताक रहा है, दे उसको। ऐसी नौबत नहीं आती, शक्कर तो डालिए ना। बात करने से भी ठीक हो जाता। मैंने सुना है बशीर ने अपनी कमर तोड़वा ली, और बाकी के लड़के सुना है पट्टी वट्टी लगाकर घूम रहे हैं। अरे मेरे पुल्लू, जल्दी जल्दी चाय पियो, ये शक्कर वक्कर की बात मत। तारजन ने धुलाई की है, उसको तब पता चलेगा जब उसकी दोबारा धुलाई होगी। अरे तारजन को धुलाई करना अच्छे से आता है। ये एंटोनी कहाँ मिलेगा? कौन अपना टार्जन? टार्जन एंटोनी से को मिलना है। काम है उसके लिए कुछ। नाम क्या है तुम्हारा? बादशाह। मैंने भाषा नहीं नाम पूछा है तुम्हारा। नाम ही बताया है, बादशाह। कोई अच्छा नाम नहीं मिला क्या आपको रखने के लिए? काम मतलब क्या काम है? अगर किसी की धुलाई करवानी हो तो तुम जा सकते हो, टार्जन ने ये काम छोड़ दिया। अच्छा है। अभी कहाँ मिलेगा वो? कल उसने कुछ पुण्य का काम किया है, अभी वो उन बकरों की देखभाल करने गया है, जल्दी वापस आ जाएगा। वो स्वामी जी बन गया। स्वामी जी मतलब किसी की पर्सनल परेशानी में वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ अगर कोई परेशान कर रहा है तो वो उसकी अच्छी तरह से पूजा पाठ करता है। वैसे एंटनी का घर कहाँ है? आइए बैठिए मास्टर जी, आप भी बैठिए। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आप तो जानते ही हैं। मैं भी फिल्मों में काम करता था, ड्राइवर था। मेरा एक्सीडेंट होने के बाद मुझे आराम करना पड़ा, फिर बेटे ने मुझे जाने ही नहीं दिया। मुझे पता है, मैंने आपको देखा है। मुझे कहाँ देखा? कोई अपना सा के सेट पर। कोई अपना सा? आपने उसमें? नहीं नहीं नहीं, मैं जयंत सर से मिलने आया था, हम आपकी कार में हॉस्पिटल गए थे। ओ अरे 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 क्या कर रही हो? छोड़ो, अरे अरे तुमने जान से धक्का दे दिया। अरे शांत रहो, अरे चुप रहो, अरे सुनो, अरे क्या हो गया, हटाओ इसे। सुनो मेरी बात, क्या कर रही है आप? बैठिए मास्टर जी, बैठिए बैठिए। ये मेरी बड़ी बेटी है, बचपन से ही ये जयंत के साथ शादी करने का सपना देख रही है। कुछ समय तक मेरे साथ मुंबई रही और जूनियर आर्टिस्ट का काम किया। हाँ, हाँ। लेकिन जयंत के मरते ही ये क्या कर सकते हैं, होनी को कौन टाल सकता है। अब एंटनी कहीं नहीं दिख रहा। हाँ अरे मेरी जरा सुनना, एंटोनी कहाँ गया है? तुमने बुलाया मुझे? हाँ जरा बाहर आओ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जब भी वो बाहर जाता है तो क्या मुझे बता कर जाता है? अब ऐसा क्या काम आ गया? सब लोग यहाँ क्या काम है? ये उसकी माँ है, ये धर्मराज मास्टर। नमस्ते। नमस्कार। कौन है ये? ओ मैं समझाऊंगा तब भी नहीं समझोगी, आज तक इसने एक भी फिल्म नहीं देखी। फिल्म देखने के टिकट के पैसे से आम के पेड़ लगाते रहती है ये। अब रहने भी दो। सालों पहले हम एक फिल्म देखने गए थे, स्टंट, धर्मराज मास्टर का नाम देखते ही तालियां बजाने लगी हॉल में। ओ, हमारे एंथनी के मार पिटाई वाले मास्टर हैं। वही स्टंट मास्टर हैं। जाओ इनके लिए चाय लेकर आओ। दोनों के लिए लाऊं क्या? हाँ ये इनके असिस्टेंट हैं। बाप रे मुझे तो पता ही नहीं था। अरे बेटी ये एनी है, मेरी छोटी बेटी। हाँ जाओ। क्या है कि चाय ही चाहिए या कुछ और चाहिए? नहीं नहीं नहीं, अरे रखा हुआ है। बिल्कुल नहीं, तो ठीक है। अरे कहाँ गए थे मास्टर जी, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मास्टर आप यहाँ कैसे? जी तेरा। वैसे तुम हो कौन, टार्जन एंटनी या ब्रदर एंटनी? वो तो बच्चों ने मेरा नाम रख दिया है। मास्टर आप अंदर आइए ना। माँ चाय लाओ। बैठ जाओ, मैं भी जल्दी मास्टर बनूंगा। ठीक है बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं मास्टर, मैं नहीं आऊंगा। सालों पहले मेरे बहुत सपने थे फिल्मों के, लेकिन आपने किसी और के लिए उन सब सपनों को भूल जाने के लिए कहा था, मैंने आपकी बात मानी भी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने इस मजदूरी के काम से यहां पर बहुत खुश हूं मास्टर,
लेकिन इस छोटी सी दुनिया में छोटे सपनों वाली जिंदगी के साथ एक शांति है, यही मेरे लिए काफी है। तुम्हें सलाह देने या मजबूर करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तुम तो जानते हो तब मेरे पास बहुत सारे असिस्टेंट थे, कईयों से मिला, लेकिन सब ने हाथ जोड़कर मुझे वापस कर दिया। किसी के पास तो कुछ कहने को भी नहीं था, बस निराशा हाथ लगी। किस्मत की बात है, आज वही मुझे तुम्हारे पास ले आई है, लेकिन मुझे यहां भी तुमसे निराशा ही हाथ लगी। बेटा मैं तुमसे माफी मांगता, मुझे माफ कर दो। प्लीज पुराने फॉल्ट मास्टर धर्मराज वाली सोच अब नहीं रह गई है। अब तो बस एक बूढ़े बाप को अपनी बेटी की शादी करनी है, यही सोच रह गई है। मास्टर मैं साथ नहीं चलोगे, पर मुझे ये मलाल नहीं रहेगा। मैंने तुमसे मदद के लिए हाथ नहीं फैला है, चलता हूं। मुझे लगा मुझे देखते ही बाहर निकाल दोगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, भगवान तुम्हें सफल करे, सफल करे। हे भगवान, मैं देता हूं। मास्टर जी, चाची का फोन है। हाँ सरोजिनी, हाँ मिला, पर वो आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। मैं विनती कर सकता हूं, मजबूर तो नहीं कर सकता। कुछ समय पहले हाथ जोड़कर जो मेरे सामने आंसू गिरा कर चला गया, एक समय पर वो मेरे लिए भगवान था। उन आंसुओं का भार मैं सहन नहीं कर सकता मास्टर। मैं आऊंगा आज से मास्टर धर्मराज के लिए, यह एंथनी समर्पित है। आप इसे मेरी गुरु दक्षिणा समझिए, ये मेरा वादा है। घूमता है वहीं कट करना था, इतनी जल्दी क्लोज क्यों किया? नॉनसेंस। सुरेश सर, पांचों कैमरा वाइड एंगल में चाहिए। हमें देखना है कि इस जगह की ग्रैंडियर में कैसे काम किया जाए। इसमें प्रेम कुमार का डुप्लीकेट है तो ज्यादा क्लोज भी नहीं जा सकते ना सर। पहले दिन डुप्लीकेट के साथ शूट करेंगे, करना ही पड़ेगा। सभी टीवी और अखबार वाले आ गए हैं, कुछ बड़ा करना होगा, फिल्म की मार्केटिंग के लिए जरूरी है। उन्हें सरप्राइज करना होगा। सत्या यस सर, मास्टर कहाँ हैं? वो क्रेन सेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है। आप मास्टर जी, विलन और उसकी गैंग अपने आदमियों के साथ फैक्ट्री में आते हैं और हीरो के फ्रेंड्स को एंड तक मारते हैं। अब हमें हीरो की एंट्री प्लान करनी है। विलन गैंग की फाइट्स बाद में शूट कर सकते हैं, लेकिन हीरो की एंट्री एकदम डिफरेंट होनी चाहिए। सीन मैंने पढ़ा सर, आपने उसमें बाइक जंप का प्लान लिखा हुआ था, ये लेकिन ये बाइक जंप आजकल नॉर्मल हो गया है सर। मैंने थोड़ा थ्रिलिंग बना दिया है उसे। रैंप से जब बाइक जंप करेगी तो दोनों तरफ एक्सप्लोजन होगा बॉम्ब से, जो बाद में हम ग्राफिक्स से दिखाएंगे। तीन कारों को ओवरटेक करके बाइक लैंड करेगी। आइडिया अच्छा है, वेरी गुड। बाइक तीन कारों को ओवरटेक करेगी और एक्सप्लोजन, बहुत अच्छा शॉट है।
लेकिन एक बात का डर है, अगर शूटिंग के पहले ही दिन कोई गलती हुई तो ये फिल्म और मास्टर दोनों के लिए मुसीबत। चिंता मत कीजिए सर, मैं ऐसे वैसे टू पार्टीज को नहीं लाया हूँ, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। अपने 40 साल के अनुभव में ऐसा रिस्की सीन करने वाला कोई आसानी से तैयार हो जाए, मैंने ऐसा आर्टिस्ट नहीं देखा है सर। ओके, मास्टर जी के लिए ओके तो मेरे लिए भी ठीक है। चलो। पहुंच गया सुपरस्टार प्रेम कुमार। पिछले कई सालों से आदित्य सर से हाथ पैर जोड़कर भीख मांग रहा है। ये सुना है इसका बाप मिनिस्टर है, ये प्रोजेक्ट उसी के कहने पर मिला है इसे। लेकिन जिस तरह से उसकी एंट्री हो रही है, ऐसा लग रहा है सबसे बड़ा स्टार यही है। अरे महेश, ये तो अपना ओशिवारा वाला हनीदास है ना? क्या हाल चाल है हनीदास? जिप्सी में घूम घूम के बोर तो नहीं हो गए? वैसे तुम्हारे ट्रांसफर के लिए पापा से बात की है मैंने, जल्दी ही हो जाएगा। थैंक यू सर। आस पास ही रहना, हमें स्कॉट की जरूरत पड़ेगी क्राउड हटाने के लिए। क्राउड माय फुट, सिर्फ थिएटर में 5-6 लोग होंगे देखने के लिए, इनको पुलिस एस्कॉर्ट चाहिए। बेशरम। गुड मॉर्निंग आदित्य सर। अरे आओ आओ, वेरी गुड, वेल मेंटेन। अरे आपके फिल्म के लिए। वैसे और एक बात, पापा ने आपको याद किया है, वो आ नहीं पाए, कैबिनेट मीटिंग जो थी। ठीक ही तो है, आते तो वो ही होते। आप नहीं बदले, पापा भी नहीं बदले। एंटनी देखना, फिल्म की हीरोइन गौरी बालन। Morning, welcome Gauri Balan. How are you? I'm fine, sir. पहली फिल्म कंप्लीट हुई उसके कई दिनों तक आपने मुझे एक भी फोन नहीं किया सर। पता नहीं आप कहाँ गायब हो गए थे। छोड़ो भी, मम्मी डैडी ठीक तो हैं? सब ठीक है। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल के बाद यूरोप की टूर पर गए हैं अपने दोस्तों के साथ, अगले हफ्ते तक वापस आ जाएंगे। Hi, ओ, प्रेम, जल्दी आ गए। सॉरी मैं लेट हो गई, वो फ्लाइट लेट थी। Hey, doesn't matter. आप जैसे बड़े स्टार के मुकाबले हम जैसे छोटे एक्टर का फिल्म सेट पर वेट करना, ये तो आम बात है। मुझे मालूम था तुम यही बोलोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही सॉरी कह दिया। स्मार्ट गर्ल। कितने शर्ट हैं? 3 है, इसे लगाकर 4। नमस्ते सर, मैं गौरी मैडम का मेकअप मैन हूँ, मेरा नाम मुरली मनोहर है। ये मुरली मनोहर क्या तुम्हारे बाप का नाम है? नहीं, ये जगह है कोल्हापुर और माधोपुर के बीच का, वहाँ मेरे बाप का वर्कशॉप है। मेरा नाम सत्या है, मैं इस फिल्म का एसोसिएट डायरेक्टर। मैं ये सब जानता हूँ, कामुकता, गुस्सा, खुशी, दुख, मस्ती, आश्चर्य, लाला, शांति, आलस, निराशा, भिखारी, ये सारे स्टाइल में जानता हूँ। आपको कौन सा स्टाइल चाहिए आप ही बताइए सर। वो लड़की जन्मजात बहुत सुंदर है, वाह, उसका चेहरा बिगाड़े बिना यहाँ ले आओ, बड़ा आया मेकअप, चल निकल। ओके मास्टर जी। हाँ ओके मास्टर। हाँ सर, हमारा पहला शॉट क्रेन शॉट होगा। हाँ सर, जैसा हमने सोचा। ओके गौरी, प्रेम, ये धर्मराज मास्टर है, फिल्म की इस फाइट सीन को यही फिल्माएंगे मास्टर जी। आदित्य, इसी वजह से मैं राजी हुआ हूँ, अगर अच्छा नहीं हुआ तो हमें पूरा रीशूट करना होगा। गॉट इट आदि? आई विल थिंक ओवर इट प्रेम। नहीं सर, सब ठीक होगा, मुझे पूरा भरोसा है। सर आप अपना कैमरा कम से कम 10 फीट पीछे करेंगे? क्यों, क्या हुआ? बाइक जंप है सर, कभी कभी लैंड करने के बाद अपना कंट्रोल खो देती है इसीलिए। अरे भाई मुझे डराना बंद करो और जाकर अपना काम करो, ठीक से जंप करना तो जानते नहीं और आगे पीछे बोल रहे हो, तुम्हारे जैसे बहुत स्टंटमैन मैंने देखे हैं। सुरेश, वो जितना बोल रहा है उतना पीछे कर दो, लेट हिम बी कंफर्टेबल, जंप उसे ही करना है, उसका कॉन्फिडेंस जरूरी है। थैंक यू सर। पीछे करो, मैं भी देखता हूँ कहाँ तक जंप करता है।
कॉस्ट्यूम बदल करके आ जाओ, फिर शूट करते हैं। ओके मास्टर। आप लोग थोड़े से पीछे खिसक गए। ओके सर। ये लड़का कौन है मास्टर? एंटनी, टार्जन एंटनी, मेरा मेरा शिष्य है सर। या, ही इज गुड। बहुत बढ़िया। क्या बात है यार? थैंक यू। कमाल की जॉब थी। ओए, ये सीट साफ कर। काम तुम कर रहे हो। वाह वाह, ये कमीना लूट रहा है, शर्म भी नहीं आती ऐसे लोगों को। इसमें शर्म वाली क्या बात है, वो अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। ओके, तुम तो शेर हो यार। स्लो मोशन में जब यार आ रहा था तब मैं डर रहा था कहीं वो टकरा कर गिर न जाए। hey, आदित्य, मजाक कर रहा हूँ, नहीं कर सकता क्या? hey, you touch up, come, come. लेकिन ये फिल्म कैंप है, दोस्ती को भुला कर कुछ बेवकूफों को बुलाना और उन्हें शराब पिलाना अच्छी बात नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे तुम ये बताओ कि गौरी बालन का ऑटोग्राफ मिल सकता है या नहीं? क्या कहा तुमने? ऑटोग्राफ मिल सकता है? मैं ले जाऊंगा तुम्हें। मैं तैयार हूं। लोगों को गौरी बालन का ऑटोग्राफ दिलाने के बाद ही ये मुरली मनोज शराब पिएगा। हाँ, आओ चलो हमारे साथ। चलना एंटोनी, मैं नहीं आ रहा। चलना, बड़ा मजा आएगा, हमारे साथ में चलना। चलना, अरे यार तुम डरता बहुत है। अरे मैं ये हुए हो, अरे हमारा उल्टा सीधा करो ना यार, मुझे नहीं होगा। अरे क्या बात है, आजा आजा, चल चल, अरे चल अंदर आ जाओ। हां, चलो बिना बोले इस तरह नहीं आना चाहिए यार ऐसे। अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरी बात। अरे चलना, बहुत मजा आएगा। अच्छा रखना, ये सब तूने शुरू किया है, समझा? सरला देखो तो कौन है। जी मैडम। ए सरला, गौरी मैडम कमरे में है क्या? आप क्यों मिलना चाहते हैं? क्या काम है? क्या काम है? जब तक तुम जान नहीं लेती उसे नहीं बुलाओगी क्या? जाओ जाकर गौरी मैडम को बुलाओ। क्या हुआ? क्या बात है? मुरली भाई, बताओ ना उसे। अरे बाप रे, उसे मत बताना, मेरी दाल रोटी चली जाएगी, दोबारा नहीं करूँगा। तुझे तो ना इतनी रात गए तुम सब यहाँ पर। एंटोनी तुम बताओ। मैं, अरे बोलना क्या बात है। ये मेरे दोस्त हैं, अगर उनके लिए आप अपनी जिंदगी, अरे मतलब अपना फोटोग्राफ, अरे ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ दे देगी तो अच्छा। और कुछ नहीं मैडम, अब हम चलते हैं, कल सेट पर मिलेंगे। सॉरी, गुड नाइट। रुको, वो बुक और पेन मुझे दो। एंटोनी नाम है ना तुम्हारा? हाँ जी। कल सुबह तुमने बाइक जंप कमाल का किया था, हम सब तो बहुत डर गए थे, लेकिन इट वाज आउटस्टैंडिंग। थैंक यू मैडम।
मैंने ट्रेंड किया है मैडम, तभी तो गलती नहीं करता। मैं बादशाह धर्मराज मास्टर का असिस्टेंट, मैं पीछे था इसलिए दिखाई नहीं दिया। अरे नमस्ते, मैं अखरू सोनी, सॉरी सुनील कुमार। मैडम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपकी सभी फिल्में कम से कम 3 बार देखता हूँ। क्या है, क्या हो रहा है यहाँ, कौन हो तुम लोग? कुछ नहीं प्रेम कुमार सर, हम यहाँ गौरी मैडम का ऑटोग्राफ लेने आए थे। इस समय तुम लोग ऑटोग्राफ लेने आए हो? तुम लोगों को अंदर आने किसने दिया है? गौरी सिक्योरिटी बुलाओ। नहीं नहीं, ना जाने कहाँ से शराब पीकर आ जाते हैं और हमारी परेशानी बढ़ाते हैं। नहीं सर, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हमें बस मैडम का ऑटोग्राफ चाहिए था, वो मिल गया। हमें आपका ऑटोग्राफ नहीं चाहिए। एक 1.5 साल तक घर में बैठे रहने के बाद हमें काम मिला है ना। बस मत कर, निकल यहाँ से, वरना पुलिस को बुला कर तुम सब लोगों को सलाख होकर पीछे डाल दूंगा। धक्के मत दो हमें। सॉरी सॉरी सर। मैडम थैंक यू, हम बहुत खुश हैं। गुड नाइट। गुड नाइट सर। चलो चलो रे। आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। तुम ठीक तो हो ना गौरी? उन्होंने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रेम, वो बेचारे तो ऑटोग्राफ लेने के लिए आए थे। सरला सर, अगर इस तरह से कोई डिस्टर्ब करने आ गया तो दरवाजा मत खोलना, मेरे कमरे की बेल बजा देना। गौरी जाओ सो जाओ। हाँ, तुमसे 2-3 दिन बाद पापा मिलने आने वाले हैं, और वो भी हमारे सेट पर। स्टेज पर राज करने वाले होम मिनिस्टर के पास इन बेचारे लोगों के लिए टाइम होगा? टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके बेटे के फ्यूचर का सवाल है। गुड नाइट प्रेम। गुड नाइट। मैं बाद में कॉल करता हूँ, सब ठीक है? ठीक है मास्टर। क्या हुआ मास्टर? क्या हुआ बादशाह? कल रात को जो फाइटर्स आने वाले थे वो लोग नहीं आए। हमने यूनियन में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि धर्मराज मास्टर के साथ कोई फाइटर काम नहीं करना चाहता। इन सब का कारण वो उदय है, मैं जानता हूँ उसे, उसने किया होगा। तो अब क्या किया जाए मास्टर? और कोई रास्ता नहीं, हमें इस फिल्म पर या आदित्य सर पर बोझ नहीं बनना चाहिए, हमें छोड़ना होगा। उदय को ही करने दो, एंटनी शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए। मैं जाकर आदित्य को बता देता हूँ। मास्टर एक मिनट, ये हीरो के दोस्त और विलन गैंग के बीच की लड़ाई का स्टंट है ना? हाँ हाँ, वो एक गैंग में हमारे सारे आर्टिस्ट होंगे और दूसरी गैंग में हमारे फाइटर होंगे, जैसा हमने प्लान किया था। मास्टर अगर ये सीक्वेंस 3 या 4 कैमरा के साथ सिंगल शॉट में लिया जाए तो फिर बात बन सकती है ना? मैं समझा नहीं। मास्टर आप रेडी हो जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। सब ठीक है ना? रेडी? हाँ हाँ रेडी है मास्टर। स्टार्ट कैमरा रोलिंग, शुरू करो। शुरू करो। मारो। अरे मास्टर लगता है आपकी बात को ये लोग नहीं समझ रहे हैं। एक्शन बोलिए। एक्शन। अरे मास्टर जी एक्शन बोले। मारो मारो। एक्शन एक्शन। वो बूढ़ा बार बार एक्शन एक्शन क्यों बोल रहा है? ये एक्शन क्या होता है भाई? मुझे क्या पता। मास्टर एक मिनट माइक दीजिए। भाई मारना शुरू करो, मारो जल्दी। Ready?
ये क्या है एंटोनी? ये सब मेरे दोस्त हैं, कॉलोनी के दोस्त हैं। अरे भाग के जाओ, रुक जाओ। हाँ ओके। ऐसी फाइट तो फिल्मों में कभी देखने को मिलता है मास्टर। एकदम ओरिजिनल फाइटर का किया एक्शन कोरियोग्राफी लग रहा है। सब स्टाइल लाइव लग रहा है। कॉलोनी के लोगों को बुलाने का आइडिया एंटनी का था। इतना सक्सेस होगा ये मैंने सोचा नहीं था। वो लड़का बहुत अच्छा है, आपका सर्वोत्तम शिष्य वही है। उदय ऐसा नहीं है, वो दारू पीकर काम करता है। एंथोनी इज अ बॉर्न फाइटर, जो हमेशा जीतता है वो दिल से भी अच्छा होता है। कुछ कुछ फाइट्स अच्छी निकल जाती है, इतना बढ़ाने चढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीरियसली मैंने ये फाइट जैसे प्लान की थी वैसी नहीं है। जिम में जिप थोड़ा सा कंप्रेस टेल। अरे यार, आदित्य को सिखाने से पहले खुद अपना काम करना सीखो, उसके बाद जीप और क्रेन पर चढ़ने की सोचना। उसके लिए यहाँ भी बहुत सारे आदमी हैं। गौरी मैं जा रहा हूँ, शैल आई ड्रॉप यू बैक? कीर्ति नगर में सॉलिटेयर एग्जीबिशन है, इफ यू वॉन्ट यू कैन पिक अप समथिंग। आई कैन टेक केयर ऑफ इट, यू नो। नहीं प्रेम, यू कैरी ऑन। इट्स ओके। हे इधर सुन, ये सॉरी टायर ले जाना या इयररिंग खरीद कर देना, ऐसे यहाँ काम नहीं चलेगा। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, कुछ और तरीका अपनाओ। चल बे। तुमने कल के 8 प्रॉपर्टीज की लिस्ट दे दी है? हाँ दे दिया। कल शॉर्ट के पीछे मत बोलना कि कुछ मिसिंग है। जी ट्रेन के लिए बोल दिया है ना? जी हाँ, एक बार दोबारा चेक कर लेना। ठीक है, नमस्कार। ओके सर। हाँ मैं प्रभु सिंह हूँ। हाँ। फाइटर यूनियन का प्रेसिडेंट। नमस्ते सर, मुझे आपके फिल्म के फाइट मास्टर से मिलना है, अभी के अभी। क्या बात हो गई सर? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, हमें बुला कर लाओ उस बुड्ढे को। ओ, ओ, ओ। कल का क्या प्लान है? कल गौरी का बिल्डिंग से जंप शूट करेंगे, वो क्लाइमेक्स लीड। तुम बिल्डिंग से जंप कर सकती हो ना? मैं ट्राई करूंगी सर। इतनी हिम्मत काफी है। अपने हीरो को अगर जंप लिख कर भी दोगे तो वो आसपास कहीं दिखाई भी नहीं देगा। हिंदी फिल्म में तुम एक ही हो जिसने सब कुछ बैलेंस किया है। थैंक्स डार्लिंग। मैं कम इन सर। सर एक छोटा सा इश्यू है, उदय फाइटर यूनियन के अध्यक्ष के साथ नीचे खड़ा है, अगर मास्टर जी नीचे नहीं आए तो। एक के बाद एक इशू, वो लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। मास्टर आप आओ। एक मिनट सर, आप हमारे साथ मत चलिए सर, हम प्यार से मामला सुलझा लेंगे। चाहे डील हो या ना हो, लेकिन एक बात तो तय है सत्या, उदय ये फिल्म नहीं करेगा, बाकी के सारे फाइट्स मास्टर ही करेंगे, चाहे फाइटर यूनियन मुझे बैन ही क्यों ना कर दे। चलिए। मास्टर मैं आपके किसी बात से सहमत नहीं हूँ। जब हमारे पास एक से एक अच्छे फाइटर्स हैं, तो आपने इन अनाड़ी और नॉन मेंबर लोगों के साथ फाइट सीन क्यों किया? कुछ घंटे पहले जो फाइट शूट किया उसके लिए मैंने फाइटर बुलाए थे, पर उनमें से कोई भी मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए मैंने यूनियन ऑफिस में बात की। उदय के फिल्म ना करने पर उस वक्त कोई भी फाइटर मुझसे बात करने को तैयार नहीं हुआ, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये उस समय पूछना चाहिए था जब आपने गली के कुत्तों को लाकर फिल्म की फाइट सीन कंप्लीट करवाई थी। आपने इस फिल्म में यूनियन का नियम तोड़ा है धर्मराज मास्टर, इसीलिए अगर आपने इस फिल्म की शूटिंग आगे की तो मैं इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दूंगा। रोक दो। पर सर को कोई नहीं रोकेगा। ए, तुझे किसने बुलाया है यहाँ? मैंने बुलाया इसे, मुझे जो बोलना था वो ये बोलेगा। फिल्म में फाइटर होने के लिए यूनियन का मेंबर होना जरूरी होता है, ये सही है, लेकिन अगर किसी नए आर्टिस्ट को फिल्म में चांस दिया जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो किसी यूनियन का मेंबर हो, ये भी सही है। धर्मराज सर की इस फिल्म के फाइट सीन में मेरे जो 5-स्टार कॉलोनी के दोस्त थे वो इस फिल्म की कहानी के कुछ पात्र हैं। फिल्म के पात्र हैं? किस तरह के पात्र हैं वो? देख मैं तुझे। हाँ उदय मास्टर, वो हीरोइन के चाचा चाची मामा मामी भाई बहन पड़ोसी, ये सारे लोग हैं जो फाइट करते हैं। अगर आपको शक है तो फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर सत्या सर से पूछ लीजिए। अब हाँ, वो सारे के सारे फिल्म के महत्वपूर्ण पात्र हैं, लेकिन फाइनल एडिट के बाद वो सब इसी स्क्रीन में दिखेंगे ना, उसके बाद उनका क्या करना है? फिल्म के डायरेक्टर आदित्य सर को पूरी स्वतंत्रता है ना? करेक्ट। किसी फिल्म में काम कर रहे पात्रों के साथ ड्यूप या फाइटर्स के अलावा बाकी के स्टंट शूट का जो फैसला होता है वो फिल्म के फाइट मास्टर और उनका असिस्टेंट करेगा, ये तो आपके यूनियन का नियम है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ
इस फाइट शूट के बल पर इस फिल्म के रिलीज को रोकना इनके हाथ में नहीं है। बिल्कुल। और हाँ, आज प्रोडक्शन के खाने में ढेर सारा नॉनवेज है, अगर आप लोग चाहिए तो खाइए और गैस निकालिए और यहाँ से निकल जाइए। बहुत समय पहले भी हम इसी तरह टकरा चुके हैं, उसके बाद तुम अपने रास्ते चले गए और मैं अपने रास्ते वापस आ गया। लेकिन तुम फाइटर्स और फाइट मास्टर्स को एक फाइट के बारे में नहीं पता है, फिल्म के बाहर की फाइट। मुझे विवश मत करना, मार डालूंगा। उदय निकल, चल निकल। मैं फिल्म रिलीज नहीं होने दूंगा। मजा आ गया, इस तरह का ट्विस्ट आदित्य सर की फिल्म में पहले कभी नहीं देखा। गौरी, ये लोग तुम्हें बहुत सी बातें बताएंगे लेकिन फुल सेफ्टी की गारंटी नोबडी विल गिव। आई मीन टू से, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ देन नोबडी विल हेल्प यू गौरी, यू मस्ट यूज एनी ड्यूप्लीकेट। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमने सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स मंगा रखे हैं सर। इस फिल्म के लिए हमने खास तौर पर नई हार्नेस रोप मंगा रखी है। आदित्य सर के साथ भी बातचीत करने पर यही निष्कर्ष निकला कि शॉट को बिना ड्यूप के गौरी मैडम खुद ही करेंगी। तुम्हें किसने कहा बीच में बोल दो? तुम हीरोइन को खुद बिल्डिंग से जंप करके शॉट देने के लिए बोल रहे हो ना, है ना? ये सारी बकवास करने के बजाय एक ड्यूप्लीकेट फाइटर लेकर उससे ये खतरनाक स्टंट क्यों नहीं करवाते हो तुम? अगर उसको कुछ हो गया तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, कैमरा यहाँ रखकर ले लो शॉट, पता भी नहीं चलेगा कौन था। प्रेम, कैमरा कहाँ रखना है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस शॉट में रिस्क है ये तुझे, मुझे, गौरी को और मास्टर को भी पता है। जब एक्टर रिस्क लेने के लिए तैयार होता है तो अच्छी एक्शन फिल्म का जन्म होता है, अच्छे एक्टर पैदा होते हैं, ऑडियंस को पता है असली कौन और नकली कौन। तुम तो बिना डुप्लीकेट के करोगे नहीं, लेकिन करने वालों का कॉन्फिडेंस क्यों छीन रहे हो? पता है इस जंप के बाद क्लाइमेक्स शुरू होता है, ये हमारे फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट सीन है। अगर ये जंप गौरी खुद करेगी तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और ये हमारे फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, डिसीजन तुम्हें लेना है। आदित्य, इनफैक्ट आई मीन टू से, डिसीजन खुद गौरी को करना है। एंटोनी, एंटोनी मुझे बताओ इस शॉट में मेरी सेफ्टी की क्या गारंटी है? सौ प्रतिशत। अगर हमें आपकी सेफ्टी के लिए जरा भी संदेह होता तो हम आपको ये शॉट करने की परमिशन नहीं देते। वैसे आपका डरना तो स्वाभाविक है, अगर आप चाहे तो मैं ट्रायल शॉट करके दिखाता हूँ, उसके बाद अगर आपको विश्वास हो जाता है तो आप ये शॉट दीजिए। बादशाह, हार्नेस ले आओ। ओके। So what do you think, Gauri? Can you do it? Yes, sir. I'll do it. Start camera rolling. Jump.
फिल्मों की तरह इस फिल्म की भी सफलता में हर फिल्म की तरह अकेले मेरा हाथ नहीं है। जिन्होंने मुझे फिल्मों में लाया, मेरे साथ काम किया, धर्मराज मास्टर, मेरी सफलता को और भी सफल कर दिया। सक्सेस में बहुत सारे लोग साथ होते हैं, लेकिन फेलियर में आदमी अकेला पड़ जाता है। मैं आशा करता हूँ हमारे इंडस्ट्री में और भी अच्छी फिल्में आए, हमारे इस इंडस्ट्री में और भी नए नए लोग आए और अच्छी अच्छी फिल्में बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं और सपनों के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Now, ladies and gentlemen, मैं मेजर रवि से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सुपरस्टार प्रेम कुमार को मोमेंटम दें। जब किसी की प्रतिभा को सराहा नहीं जाता तो एक एक्टर के दिल को बहुत दुख होता है। पिछले 3 सालों से मैं यही सुन रहा हूँ। प्रेम कुमार डांस नहीं कर सकता, फाइट नहीं कर सकता, यहाँ तक कि एक्टिंग भी नहीं कर सकता। उनमें से कुछ तो इस भीड़ में भी होंगे। उनसे मैं कहता हूँ, इस सब का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। इस फिल्म के फाइट सीन को देखिए। इस फिल्म में जब आप सब लोग एक्शन सीक्वेंस देखेंगे और पसंद भी करेंगे, वो सब मेरी 2 साल की मेहनत है। एक्सट्रीम डेंजरस सीन के लिए डायरेक्टर ने मुझे ड्यूप्लीकेट लेने को कहा, लेकिन मैंने सारे शॉट्स खुद ही किए, ड्यूप्लीकेट नहीं लिया। एंटनी, देख तो जरा, इतनी दहाड़े झूठ बोल रहा है। ओ चुप कर। इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स सीन है, ठीक उससे पहले के सीन में हीरोइन का जो इंपॉर्टेंट सीन है जंप करने का, उसके लिए भी इसे ड्यूप की जरूरत नहीं पड़ी। गौरे ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर बहुत ही साहस से यह शॉट दिया। मेरा तो ये मानना है कि गौरी बालन के इस जंप करने से मुझे क्या क्या बोल रहा है ये? अबे चलना रे। अरे हकीम भाई, खाना मिलेगा, जाओ मत। अच्छी है, आदित्य सर ने मेरे घर पर आकर मुझे ये कहानी बताई तो मैं बहुत इंप्रेस हो गया और ये फिल्म करने के लिए रेडी हो गया। दैट्स ऑल। एंटोनी का घर कहाँ पर है? कौन सा एंटोनी? टार्जन एंटोनी। गौरी बालन, सुनो सुनो सुनो, मिला है वो, है ना, मुझे।
यहाँ पर क्यों? एंटोनी से मिलने। मुझे आप फोन कर देती, मैं आ जाता ना आपसे मिलने। अगर कॉल करती तो तुम्हारा ये घर, ये कॉलोनी कैसे देख पाती? अच्छा बताओ, कल वहाँ से जल्दी क्यों निकल गए? मैं खाने तक नहीं रुका, वो घर आना था ना, लेट हो जाता इसलिए। कल वहाँ पर हर कोई हमारे फिल्म में जो एक्शन सीन है उसी की तारीफ कर रहा था। टाइटल में जिनके नाम होते हैं फिल्म बनाने में उनकी जरूरत होती है, लेकिन कल सिर्फ एक्टर की ही बातें हो रही थी। वहाँ मौजूद जिन्होंने भी फिल्म देखी उन्होंने सिर्फ एक्टर्स को ही देखा, लेकिन उस फिल्म में जो एंटोनी था उसे किसी ने नहीं देखा। उस फिल्म में अगर एंटोनी नहीं होता तो ये फिल्म इतनी अच्छी कभी नहीं होती। एंटोनी है तो ये फिल्म है, और इस बात को मैं जानती हूँ। This is for you. इस फिल्म में इतनी मेहनत करके इसे इतनी अच्छी बनाने के लिए ये तुम्हारा तोहफा। अरे पर मैडम ये मेरे लिए इसकी। ये क्या एंटोनी, ये तुम्हें मैं दे रही हूँ, नहीं ले सकते क्या? थैंक्स। तुम्हें चल टार्ज़न एंटोनी। मस्त है यार। R-O-L सेक्स, रोल सेक्स। रोल सेक्स नहीं बे बेवकूफ, रोलेक्स है, बहुत महंगी घड़ी है समझा। 10-15 लाख की होगी ना? हाँ होगी। अरे कीमत की किसको पड़ी है। हम समझ गए। क्या समझ गए तुम? मैं बताता हूँ, एक इंग्लिश फिल्म की भी यही कहानी है। नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन हीरोइन को एक भिखारी से प्यार हो जाता है और उनका चक्कर भी ऐसे ही शुरू होता है। तेरा बाप होगा भिखारी, चल। मुन्ना तू ये गली भूला नहीं अभी? ऐसे मत बोल यार, तुझे तो पता है ना, उदय को पता चला कि मैं इधर आता हूँ तो वो नाराज होगा। छोड़ना, और बता क्या चल रहा है? वही पुरानी कहानी और क्या। अरे बबली तू अब भी इसके साथ है? बबली बहुत खुश लग रही है। लड़का कहाँ का है? कलानगर से है, रेलवे में TC है। इसके माँ बाप दहेज लेने के खिलाफ हैं और शादी करने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने कुछ लेने से मना किया, फिर भी मैं इसे खाली हाथ तो नहीं भेज सकता ना, ऊपर से विकलांग भी है। अच्छा ये बता शादी की तैयारियाँ कैसी चल रही? हाँ धीरे धीरे चल रही है, अभी 1.5 लाख रुपए की कमी है। देखते हैं, परिवार की पहली शादी है ना, धूमधाम से होनी चाहिए। तू यहीं रुक, ये ले थोड़े पैसे हैं, अब ये रख ले, मैं और कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। नहीं यार मुझे पैसे तो चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ उधार ले रहा हूँ जो मैं लौटा सकूँ। इस तरह से पैसे मैं नहीं ले सकता, उधार देगा तो ठीक है। तुझे किसने कहा कि मैं तुझे उधार दे रहा हूँ? ये मेरी बहन नहीं है क्या? ऐसा नहीं है यार, लेकिन इसकी शादी मैं अपने कमाए हुए पैसों से ही करना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। चल ठीक है, फिर भी तुझे अगर जरूरत पड़े तो तू सबसे पहले मेरे पास आएगा। तू मेरे साथ है इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए यार। आइए आइए सर। हाँ शुरू हो गई बर्थडे पार्टी, शुरू हुई, अंदर चलिए सर। हाँ तुम्हें ये कहाँ से पता चला गौतम? कॉलोनी के बशीर ने बताया कि वहां बहुत ज्यादा क्राउड था। बिना किसी को बताए वो खुद गाड़ी लेकर चली गई। गौतम तुम कुछ मत करना इस मामले में, मैं खुद ही निपट लूंगा। प्रेम हा? सारे VIP आ चुके हैं, नीचे आ जाओ। ओके डैड आई एम कमिंग। चलो हैप्पी बर्थडे प्रेम। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल। इन सब की क्या जरूरत है? आप लोग यहाँ पर आए इतना ही काफी है। डायलॉग मारने की जरूरत नहीं, ये हमारी पार्टी के लीडर जो ठहरे, इनके बुलाने पर नहीं आया तो अगले साल भी MLA बनने से रह जाऊंगा। ये कौन है, पहले नहीं देखा? ये मेरा दोस्त है गौतम बालन। अरे आप इससे पहले मिल चुके हैं, ये गौरी बालन का भाई है। ओह अच्छा, करते क्या हो भाई? वो मैं एक नया बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहा हूँ। गौरी नहीं आई, अब बस आती होगी। आइए मैडम।
100 years. Happy birthday, Prem. Thank you so much. Sorry, uncle. मैं थोड़ा लेट हो गई. It's all right. प्रेम, जिसका तुम्हें इंतजार था वो आ गई है. क्या आप केक काटे? Oh, sure. क्या बच्चों की इस तरह की आजादी सही है? मंत्री जी, इस मामले में कुछ कहना पुराने ख्यालों वाली बात है. अपनी जिंदगी का फैसला वो दोनों खुद करें. हाँ, पर इलेक्शन आने से पहले शादी हो जानी चाहिए. मैंने तो ये सब कभी नहीं सोचा. मैंने खुद जो एक्शन सीन किया वो ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए मुझे लगा उसे गिफ्ट देना चाहिए. इसमें इतनी प्रॉब्लम क्या है? गिफ्ट देने के लिए इतनी खतरनाक जगह पर तुम्हें अकेले जाने की क्या जरूरत थी गौरी? ये क्या प्रेम, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम अपनी बीवी से बात कर रहे हो. हाँ, उसको जाने का पूरा अधिकार है, ऐसा ही समझ लो. आज तुम फाइव स्टार कॉलोनी में किससे मिलने गई थी? गौतम. गौरी, एक बात ध्यान में रखो, हम सब सेलिब्रिटीज हैं. आज के छोटे इशू से कल बड़ी बड़ी बातें बनेंगी, लोग उसे गलत तरीके से पेश करेंगे. प्रेम, उसके पास ऐसा सेंस ही नहीं है कि वो इन बातों को समझ सके. तुम इसे इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? तो तुम्हारे हिसाब से ये छोटा इशू है? गौतम प्लीज, ये हमारा घर नहीं है और तुम्हें एक दोस्त की जरूरत है जो तुम्हें सही गलत समझाए और तुम्हें ये भी बताए कि तुम्हें किस के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली तुम वैसे नहीं हो जैसा मैं तुम्हें समझती थी. एंजॉय द पार्टी. आज शादी के बाद वो लोग खुद लड़के के घर जाएंगे, मुहूर्त से पहले पहुंच जाएंगे. ठीक है. हाँ, नमस्ते. आइए आइए. मास्टर, अभी तक कोई पता नहीं है, बस पकड़े हुए तो बहुत देर हो गई है, अभी तक पहुंच जाना चाहिए. उसने बोला था स्टेशन पहुंचकर फोन करूंगा, लेकिन अभी फोन स्विच ऑफ है. उसके लिए स्टेशन पे गाड़ी लेकर खड़ा होगा. कहाँ चला गया ये अभी? इडियट. क्यों बबली? क्या एंटनी भैया, आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो. बचपन में हमने फैसला किया था कि तेरा मंगलसूत्र मैं ही बनवाऊंगा, लेकिन तेरे भाई को लगता है सब कुछ वो अकेले ही कर लेगा, इसीलिए उसे ये मत बताना. अरे मुन्ना भैया आ गए क्या? नहीं आया, पर आ जाएगा. आज मेरी शादी है, उनको पता है, फिर भी शूटिंग करने की क्या जरूरत थी? काम है उसका, हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते. आ जाएगा वो, तू रेडी हो जा. वैसे भी मुहूर्त से पहले बहुत सारी रस्में बाकी हैं. हाँ, मैं ठीक हूँ. कल पहुंच गया था ना? अरे ये मुन्ना कहाँ रह गया यार? क्या हुआ? क्या हुआ मास्टर? क्या बात है मास्टर, क्या हुआ? एंटनी, बादशाह का फोन आया था. मुन्ना का कल शाम सेट पर एक्सीडेंट हो गया. Okay, then can kick. Yeah, then straight kick. क्या हुआ? क्या हुआ बादशाह? कल शाम को बिल्डिंग के टॉप से जंप करना था. मुन्ना नहीं करने वाला था इसे, लेकिन जब 75,000 रुपए देने की बात हुई तो मुन्ना तैयार हो गया. सेफ्टी नेट, एयर बेड, सब कुछ था, लेकिन पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई, जमीन पर सर के बल गिरा तो अपना मुन्ना हमेशा के लिए चला गया. ऐसा नहीं छोड़ सकते यार, हमें इसे ले जाना होगा. हाँ एंटनी, लेकिन उसके लिए कुछ नियम है,
इस तरह के एक्सीडेंट में फाइट मास्टर को फाइटर को घर तक छोड़ना होता है। मैं उदय के सामने बहुत बार गिड़गिड़ा चुका हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि शूट खत्म होने दो। पोस्टमार्टम हुए 6-7 घंटे हो चुके हैं। और इस तरफ और उसके बाद किसने लाइट बंद की शॉट में? मेरे सेट पर तुम क्या कर रहे हो? वहाँ एक आदमी की बॉडी पड़ी है जिसने तुम्हारे लिए जिंदगी से खतरा मोल लिया और तुम्हें शूट करना है। वहाँ जो लेटा है मेरा असिस्टेंट है और ये मेरा सेट है। यहाँ क्या करना है मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी फिल्म के लिए उसने अपनी जान गंवाई। हम सब साथ साथ बड़े हुए और जो लेटा है वो हमारा मुन्ना है। हाँ, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। कल सुबह की फ्लाइट से हमारे फिल्म का हीरो हनीमून के लिए न्यूजीलैंड जा रहा है। अगर शूटिंग आज खत्म नहीं हुई तो इसमें मुझे यानी प्रोड्यूसर को कितने लाख का नुकसान होगा तुम्हें पता है क्या? वहाँ उसकी बहन शादी के मंडप में उसके आने का इंतजार कर रही है। उसके आंसुओं की ज्यादा कीमत है सर, आपके पैसों से भी। भगवान के लिए शूटिंग रोक दीजिए, उसको घर जाने दीजिए। उसके परिवार को इस वक्त उसकी जरूरत है सर, प्लीज। प्लीज क्या? मेरा काम छोटी मोटी परेशानियों को हल करना नहीं है। मैनेजर से मिल लो और 1,000-2,000 रुपए लेकर निकल लो यहाँ से। वो पैसों के लिए ऊपर से कूदा और मर गया, उसके लिए मैं भरपाई क्यों करूँ? तुम मुझ पर दादागिरी दिखा रहे हो। चलो निकल लो यहाँ से चुपचाप। बोला ना निकलो यहाँ से। चल निकल, बोला ना तुझे, चल निकल। क्या रे? अरे चल निकल, बोला ना तुझे। भाई की जिंदगी खतरे में डालकर उससे कमाए पैसों को लेकर चुप बैठने वालों में से तू है ना? मरे आदमी के लाश पर पैसा फेंक कर सब कुछ खत्म हो जाता है, ये एक प्रोड्यूसर सोच सकता है, लेकिन तुझे उसका साथ नहीं देना चाहिए था। उदय, मुन्ना का तेरा और मेरा एक ही तो धंधा था और उस धंधे में सच्चाई होती है, सम्मान होता है, लेकिन तू वो भूल गया है। एक दिन तुझे जरूर याद आएगा, जरूर याद आएगा, जरूर याद आएगा। सर, कल इस सेट पर एक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में एक आदमी की जान चली गई और हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। किसी की जान जाना छोटी बात नहीं होती। पूरी दुनिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ एक दिन अगर शूटिंग ना हो तो कुछ बिगड़ जाएगा। कल यहाँ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ और मुझे ऐसा नहीं लगता है सर कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर सकती हूँ। I'm sorry.
गुड इवनिंग सर। तुम तो कह रहे थे कि सिर्फ तुम आने वाले हो। क्या गौरी, मेरे आने से कोई परेशानी है क्या? मेरा ये मतलब नहीं था। जब गौरी बालन साथ में नहीं थी तो मैं कोई भी फिल्म सक्सेसफुली नहीं कर सका। लास्ट फिल्म के बाद तुमने मुझे बहुत फेम दिलाया, तो मैंने सोचा कि अपना ये चेहरा जरा ठीक से दिखा कर आऊं। तो कल शूटिंग कैंसिल हो गई? हाँ, कल सेट पर हुए एक्सीडेंट में एक फाइटर मर गया। क्या तुम मरने वाले के घर पर गई थी? हाँ गई थी, क्यों? कोई भी फाइटर मरते रहेंगे और तुम शूटिंग रोक दोगी, उसके फ्यूनरल में जाने वाली हिस्ट्री की पहली हीरोइन होगी तुम। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे उस शूटिंग को रुकवाने वाले एंथोनी के और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है? गौतम, तुमने पी रखी है, हम इस बारे में कल बात करेंगे, अभी तुम जाओ। मुझको भगाने वाली तुम होती कौन हो? बिना जाने मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ। गौरी, तुम एक बहुत बड़ी स्टार हो, किसी फाइटर के मरने पर शूटिंग रुकवा देना, प्रोड्यूसर से बुरा बर्ताव करना तुम्हारे करियर के लिए अच्छा नहीं है। वो क्या है कि बाहर तुम्हारे बारे में बहुत गॉसिप्स हो रही है, इंडस्ट्री ऐसी है। और मैं तुम्हारे लिए को-स्टार से कहीं बढ़कर हूँ, ये तुम्हें सोचना चाहिए। वो क्या है ना, जो तुम्हारी परेशानी वो मेरी परेशानी, और तुम्हारी माँ भी मुझसे यही चाहती है। प्रेम, अगर तुम मुझे अपनी को-स्टार से ज्यादा कुछ मानते हो तो तुम्हें इस वक्त इस गौतम के साथ मेरे घर पर नहीं आना चाहिए था, और मेरे पर्सनल मामले में कोई भी इंटरफेयर करे ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आइंदा कभी भी ऐसा मत करना। इसीलिए प्लीज इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ, इसे अभी लेकर जाओ। गौरी, मैं प्रेम, प्लीज गेट लॉस्ट। निकलो यहाँ से। गौतम, कम। गधे की औलाद, मार डालूंगा तुझे। तेरी बहन की वजह से तुझे मैं छेड़ रहा हूँ, और उसी की वजह से तेरे खर्चे, तेरे शौक पूरे कर रहा हूँ। मैं बरसों से गौरी को हासिल करने के पीछे पड़ा हूँ, अगर वो तेरी वजह से मुझसे दूर चली गई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे, समझा? छोड़ो से, छोड़ो, अरे छोड़ो। तुम एक दूसरे से लड़ रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। गौतम, आज उसने तुम्हें कमरे से धक्का देकर बाहर निकाला है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जिसे तुम अपनी मानते हो वो तुमसे दूर जा रही है, इन सब की एक ही वजह है, वो फाइटर एंटोनी, टार्जन एंटोनी। आज उससे वो जो भी कहेगा वो करने को तैयार हो जाएगी, उसके बाद आते हो तुम और ये। समय बर्बाद मत करो, उसका जल्दी कुछ इलाज करो। ये बिल्कुल सही कह रहा है, उस कुत्ते से मिलने के बाद ही वो इतना बदल गई है, हमें उसको ठिकाने लगाने ही होगा, वही सारी परेशानियों की जड़ है। लेकिन कैसे? उपाय मैं बताता हूँ, अपने प्रोड्यूसर बशीर सर जो नई फिल्म कर रहे हैं, कल उसके क्लाइमैक्स का पैच वर्क का शूट होने वाला है, उसके फाइट मास्टर धर्मराज हैं, वह एंटोनी भी आएगा, वही सेट पर ही उसका काम तमाम कर देना। बादशाह जी, बादशाह जी, इंडस्ट्रियल क्रेन अभी तक नहीं आई। 7 बजे आने वाली थी, प्रोडक्शन मैनेजर को बोल दिया कि अभी तक नहीं आई है, लोकल से दूसरी मंगवाने के लिए कह दिया, जल्दी आ जाएगी मास्टर। एंटोनी कहाँ? वो हार्नेस जैकेट पहन रहा है। हार्नेस टाइट बांधा जी मास्टर, टाइट में पड़नी चाहिए जब तुम ऊपर से कूदोगे। ओके मास्टर, स्ट्रैप लिया है ना? हाँ ले लिया मास्टर, हो गया ना? मास्टर जी क्रेन रेडी। हाँ मैं पहुंच गया हूँ सर, हाँ ठीक है सर। ये जो जंप हो रही है उसके लिए डबिंग स्टूडियो में साउंड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? है ना कॉमेडी यार, कमाल है। ठीक है, ट्रेन रेडी है ना? हाँ बादशाह, रेडी हो ना? ओके मास्टर। एंटनी रेडी? रेडी मास्टर, स्टार्ट कैमरा। ओके एक्शन। हाँ
दूर हटो दूर हटो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हो गया। कैसे हुआ ये? वो क्रेन ऑपरेटर ने जानबूझकर लेवल लूज कर दिया, नहीं तो रस्सी टूट जाती मास्टर जी। कहाँ है वो? किसी ने उसे देखा नहीं, शायद उतर कर भाग गया मास्टर जी। भाग गया वो, पकड़ो उसे जाकर। जा देखना। अरे चलो देख क्या रहे हो? अबे तू सच बता दे, वरना टार्जन के पास तेरा अच्छा इलाज है। वो पहले चाकू गरम करेगा, फिर तेरे गर्दन पे लगा के सीधे काट डालेगा। उसके बाद उसमें कीचड़ डाला जाएगा। कीचड़ जानता है ना, फाइव स्टार कॉलोनी की गंदगी, गटर वाली। देख साबो, हम दोनों का एक दूसरे से कोई झगड़ा नहीं है। तुझे जो काम दिया था तूने अच्छे से किया। अब ये बता, ये काम तुझे किसने दिया था? अगर बताएगा तो मैं तुझे एक फुल प्लेट बिरयानी दूंगा और घर जाने का टिकट भी, नहीं तो। रोकने की कोशिश करेगा तो मरेगा। बात क्या है कि आप इसी से पूछिए। आपको शायद पता नहीं होगा, कल सेट पर एक एक्सीडेंट हुआ था। मैं हीरो का ड्यूब कर रहा था और पहाड़ से 200 फीट जंप करना था। क्रेन का लीवर लूज था। शायद मेरी माँ की प्रार्थनाओं की वजह से आज ये एंथनी जिंदा है। और इस हादसे के पीछे था वो क्रेन ऑपरेटर। जब उसकी जम के धुलाई की ना, तब उसने बताया कि जो मुझे मारना चाहता है वो ये है। अभी समझनी, मुझे जान से मारने के लिए पैसे दिए थे आपके इस प्यारे भाई ने। अब देखिए, शर्म की वजह से आपसे ठीक से नजरें भी नहीं मिला पा रहा है। ये सही कहा ना? ये तो ठीक है कि इसने मुझे मारने की कोशिश की, पर आप सावधान रहना, कल ये वक्त आने पर आपके साथ भी यही कर सकता है। ये वो जल्लाद है जो अपने खून को भी नहीं पहचानता। फिल्मों में इतना ड्रामा नहीं होता गौरी, जितना रियल लाइफ में। हीरोइन के घर जाकर एक स्टंट मैन उसके भाई को मारता है। हीरोइन घर छोड़ देती है और बाहर अकेले एक फ्लैट में रहने लगती है। स्टंट मैन एक यंग और स्मार्ट लड़का और हीरोइन के बीच कुछ कुछ। एंटनी, मुझे बोलो। शुरू में मुझे लगा कि ये सब जो हो रहा है एक फिल्मी तमाशा है। बहुत ही मन लगाकर हीरो एफर्टलेसली अपना काम कर रहा है, लेकिन स्टंट मैन के लिए हीरोइन के मन में कहीं ना कहीं कोई फीलिंग्स है। और शूटिंग के दरमियान इंटरवल में टाइम पास भी चलता है,
इस तरह का फिल्मी प्यार बहुत देख लिया, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा कि मैं सोच रहा हूं। इन सब सवालों का जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। सो यू आर इन लव विथ एंटनी। रिच गर्ल मीट्स पुअर बॉय, इस तरह के प्यार में तुम्हारा यकीन नहीं है। यू आर वेरी मच सेंसिबल, डिफॉल्ट प्रे फॉर दैट। तुम ये कह सकती हो कि तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वाले गलत व्यवहार कर रहे हैं, तुम्हें प्यार नहीं मिल रहा है, और हीरोइनों की तरह तुम्हारा कोई ठोस रीजन भी नहीं कि तुम उससे प्यार करती हो। यू फील सिक्योर विथ हिम, वो तुम्हारे साथ होता है तो तुम अपने आप को सिक्योर फील करती हो, है ना? Yes, I feel secure. But more than that, I feel him wanted. क्या उसे ये सब पता है? उसे पता होना चाहिए मेरी फीलिंग्स क्या है। बताया नहीं उसे? नहीं। तो बताना चाहिए ना। दुनिया के 99% अफेयर खत्म होते हैं एक दूसरे को ना बताने से। लड़का सोचता है पहले लड़की उससे बोले, या फिर लड़की भी ऐसा सोचती है, और फिर बिना एक दूसरे को बताए वो दोनों अलग हो जाते हैं। सो कम्युनिकेट। मैं बताऊंगी, बट ये कहीं वन वे ट्रैफिक ना हो जाए, यही तुम्हारा डर है ना? उसे ही पूछ लेते हैं, इट्स क्लियर थिंग्स। मैं एंटनी को बुलाता हूँ। हेलो। हेलो एंटनी। सर आज तुमने झगड़ा किया? हाँ सर। नहीं सर, नहीं मैंने नहीं की सर। क्या तुम अभी मेरे पास मेरे घर पर आ सकते हो? मैं आऊंगा सर। श्योर? आऊंगा सर। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके। वो तो अच्छा हुआ मैंने उसे ऊपर नहीं पहुंचाया, छोड़ दिया उसे। वो गौरी मैडम का भाई है, ये कंसिडर करके ही छोड़ दिया उसे। आप तो जानते हैं ना, उदय से भी झगड़ा हुआ था मेरा। पता नहीं क्या दुश्मनी है मुझसे। अगर वो मुझे मारने के लिए लाखों रुपए दे रहे तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही ना। उसके मन में शक है सर कि मैडम के और मेरे बीच में कुछ है। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, आप मैडम को बोलो अपना ख्याल रखने को। वो निर्दोष है सर, उन्हें खुद की रक्षा करनी होगी, और कौन करेगा। मैंने तुम्हें ये सब पूछने के लिए यहाँ नहीं बुलाया। कौरी के लिए इतना सोच क्यों रहे हो? वो बात मैडम की नहीं है ना वो। हाँ हाँ, बात मैडम की ही है। तुम्हें उनकी इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है? कहीं तुम्हें गौरी से इश्क या मोहब्बत, आखिर बात क्या है? मेरा मतलब ये नहीं था सर, मैं तो बस वो। हाँ 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 हाँ, ये सब कहने वाली बात है, ऐसा ही कुछ मैंने उसमें भी देखा। तुम सोच रहे हो कहीं वो डर तो नहीं जाएगी, वो क्या सोचेगी। उसको बताने में डरना स्वाभाविक है। कहीं उसका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो? कहीं तुम इस उलझन में तो नहीं हो कि ये सब बोल के मैं शर्मिंदा हो जाऊं, क्योंकि वो हमारी इंडस्ट्री की एक जानी मानी बहुत बड़ी हीरोइन है। मुझे तो बता ही सकते हो। बताओ, तुम्हारे दिल में कोई भावना हो तो? भावना वाली बात ही नहीं, हमें उतना ही सोचना चाहिए जितनी हमारी औकात है। हमारी औकात है सर। उतना सोचो जिसके लायक हो, ऐसा समाज की सोच है एंटोनी, सब भूल जाओ। ऊपर वाले ने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, मेड फॉर ईच अदर। अमीर लोगों की गुलामी नहीं चाहती हो, वो बस तुम्हारा साथ चाहती है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो, खुद ही उससे पूछ लो। वही फाइटर के बाद आदित्य सर दूसरी फिल्म बना रहे हैं, नाम है हीरो, सेम टीम के साथ गौरी और प्रेम सर। शूटिंग परसों से शुरू होगी, अभी फोटो शूट चल रहा है, आप परसों लोकेशन पर मिलेंगे, ठीक है? ओके। इसके काउबॉय गेटअप वाले फोटो ही बाकी है ना? हाँ हो जाएगा ना? हाँ इतना तो मैं कर ही सकता हूँ सर। मैं गेस्ट हाउस जा रहा हूँ। हाँ। धर्मराज मास्टर इंतजार कर रहे हैं, पहली फाइट सीन प्लान करनी है। जिस इनको यहीं पर रहने दो ना आदि, मुझे कुछ और भी बातें इनसे डिस्कस करनी है। अभी तक तुम्हारा डिस्कशन खत्म ही नहीं हुआ क्या? ठीक है, झेलो उसे, कल मिलते हैं लोकेशन पर। ओके।
अरे रे रे प्रेम सर आ गए, जल्दी से हटाओ ये सब, जल्दी करो। ओहो गाड़ी के काले शीशे से पता ही नहीं चलता कहां से उतरेंगे। बिल्कुल ऐसा सेफ करता हूं, मैं कॉल करता हूं। ओके भाषा जी, भाषा जी मैं दिखाता हूं। देखो पहला पंच पेट। गुड मॉर्निंग सर। क्यों सत्या, फर्स्ट डे में ही फाइट सीन प्लान किया है? अरे वो क्या है सर, फाइटर भी हमने फिल्म सुपर हिट हुई थी सर। ओ, तो वो लग था क्या मेरी परफॉर्मेंस से नहीं चली क्या फिल्म? यही कहा ना तेरी तो। और सर वो क्या है, क्यों बे साले, पूरी रात मेरे साथ शराब पीने के बाद तू ही बोला था ना कि धर्मराज को असिस्ट करने के लिए ये भिखारी सेट पर नहीं आएगा। उसके बाद भी तूने उसे यहाँ पर आने की परमिशन कैसे दी? आखिरकार दिखा दी ना तूने अपनी औकात, वो क्या कर रहा है यहाँ पे? नहीं सर मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन धर्मराज मास्टर जी को भी वही चाहिए था, आदित्य ने भी उसे हटाने से मना कर दिया। जब डायरेक्टर ने बोल दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? होते कौन है आदित्य और धर्मराज, फिल्म मेरे नाम पर बिकती है, लोग उनको देखने नहीं आते, थिएटर उनके वजह से नहीं भरता। अब अगले मिनट वो मेरे सामने भी नहीं दिखने चाहिए। प्रेम यहाँ पर कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करो, जाओ और मेकअप रूम में जाकर अपने मेकअप करो। इस बात को डिसाइड किए बिना मैं मेकअप नहीं करवाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आता इतना आर्ग्यू, वो भी उस स्लमडॉग के लिए। प्रेम कुमार घमंड नहीं, अगर वो स्लमडॉग नहीं होता तो तुम्हारी लास्ट फिल्म भी फ्लॉप होती, ये मत भूलो। तुम जानते हो थिएटर में जो तालियां बजती है और पेपर में जो कुछ भी छपता है उसका असली हकदार जनता नहीं जानती, लेकिन हम सब जानते हैं, इसलिए अपना ईगो दूर ही रखो और एक अच्छे एक्टर की तरह मेकअप करवा लो। गो जस्ट अ मोमेंट आदे, ये फिल्म पिछली फिल्म की तरह नहीं है, इस फिल्म के बिजनेस में मेरा भी कुछ हिस्सा बनता है, इसलिए तुम सब कुछ अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते, तुम्हें इसी वक्त डिसाइड करना होगा तुम्हें प्रेम कुमार चाहिए या वो स्लमडॉग फाइटर चाहिए। अगर वो रहेगा तो ये फिल्म प्रेम कुमार नहीं करेगा। तो फिर अगर एंटनी फिल्म में है तो तुम ये फिल्म नहीं करोगे? नहीं। तो अब हमारे पास चारा ही क्या है, फैसला हो गया समझो, है ना मास्टर? इस फिल्म से तुम आउट। मेरे इस फिल्म में एंटोनी मास्टर को असिस्ट करेगा, अगर तुम्हें मंजूर है तो अपनी कॉस्ट्यूम पहनो, नहीं तो अपने बॉडीगार्ड्स काली बिल्लियों के साथ निकलो यहां से, गेट लॉस्ट। मैं भी देखता हूं कि तुम मेरे बिना ये फिल्म कैसे पूरी करते हो। तुमसे जो भी हो सकता है कर लो, नाउ मूव। चलो सर वो जा रहा है। प्रेम सर सर, मैं जाकर प्रेम के पैर पकड़ के वापस ले आऊंगा सर, आज से ही शूटिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा ही हुआ ये शूटिंग के पहले ही दिन हो गया बॉस, अगर कुछ दिन बाद होता तो फंस जाते। पर अब हम क्या करेंगे सर, इस लोकेशन पर प्रेम सर के बिना एक सीन भी नहीं कर सकते। हिम्मत मर्दा तो मर्दे खुदा, हम दोनों मिलकर फिल्म को आगे ले जा सकते हैं, बाकी देख लो, समझो अभी ये फिल्म रुक गई। अभी तक तुमने जो भी खर्चा किया है I'll pay you। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, हम ये फिल्म करेंगे, लेकिन प्रेम के बिना कैसे? बिना एक रुपए की मार्केट वैल्यू वाले प्रेम को हीरो बनाकर हमने फिल्म बनाई और हिट भी दी। आई मीन एक्टर से इम्पोर्टेंट फिल्म है, मुझे लगता है जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ।
हम किसी न्यू कमर को ट्राई कर सकते हैं और तुम्हें भरोसा रखना होगा, रेडी हो तुम? लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस में कौन होगा? लास्ट फिल्म में उसका फेसलेस परफॉर्मेंस को ऑडियंस ने पसंद किया, इस फिल्म में हम उसको एक फेस देंगे, एक न्यू फेस। मैं बनाऊंगा उसे हीरो। न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य ने प्रेम कुमार को फिल्म से निकाल दिया, ये नहीं बल्कि सुपरस्टार प्रेम कुमार ने खुद फिल्म करने से इनकार कर दिया है, ये न्यूज रिपोर्ट मानी चाहिए, समझे? वेलकम टू एंटरटेनमेंट न्यूज। फेमस डायरेक्टर आदित्य की लेटेस्ट फिल्म में प्रेम कुमार की जगह नया एक्टर आने वाला है। हिट फिल्म फाइटर के बाद आदित्य की राइटिंग और डायरेक्शन की अपनी नई फिल्म हीरो के लिए पहले प्रेम कुमार को लेकर फिल्म की शूटिंग शुरू की थी, उसके बाद फिल्म में नए हीरो की एंट्री कर दी। हालांकि इसके पीछे का कारण नहीं बताया गया। बहुत सारी फिल्मों में फाइट असिस्टेंट रहे एंटोनी को इस फिल्म के नए हीरो। क्यों प्रेम, कैसी लगी नई जोड़ी टार्जन एंटोनी और गौरी बालन? आज की एंटरटेनमेंट न्यूज। सारे देश में उन दोनों के पोस्टर्स नहीं देखना चाहते हो तो अभी कुछ करना पड़ेगा। अगर उस तरीके का पोस्टर तेरे दिमाग में बन रहा है तो उसे फाड़ के फेंक डाल। अब क्या करना है वो मुझे पता है। मेरे अलावा कोई भी उस फिल्म में काम करे चलेगा, लेकिन एंटोनी नहीं। क्या कह रहे हो, मैं एक्टिंग करूं? मैं पागल नहीं हुआ हूँ फिल्म में एक्टिंग, और वो भी मैं। ड्यूब करना बहुत आसान होता है लेकिन एक्टिंग करना आसान नहीं होता। और पता है सबसे बड़ी खामी क्या है? मान लो इस फिल्म में मैंने एक्टिंग कर ली और वो किसी तरह 10 दिन चली भी, तो उसके बाद हम ऐसे बार में बैठकर पी नहीं सकते, लाइन में खड़े होकर शराब नहीं खरीद सकते, और तो और चर्च फेस्टिवल में आती लड़कियों से बात भी नहीं कर सकते। अरे वो सब काम तो हम जैसे बेकार लोगों के लिए है, है ना? हम में से कोई तो फिल्म एक्टर होगा। अब तू जल्दी से हाँ बोल दे यार। ओए ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। तो ना आने दो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। क्यों एंटोनी, कोई ज्यादा हुनर वाला क्यों ना हो, फिल्म में काम करने का मौका सबको नहीं मिलता। अगर मिलता है तो ज्यादा किस्मत नहीं होती, किस्मत होती है तो ज्यादा हुनर नहीं। इस बात को मानते हो तो बहुत सारी जिंदगी बदल जाती है। हाँ बहुत सारी जिंदगियां बदल जाएंगी, मेरी भी। लेकिन सच कहता हूँ मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है यार। सुनील अपने दोस्तों की बात नहीं मानेगा यार। हाँ पूरी करूंगा, पहले आज का ये बिल तू भर दे और मरने से पहले कुछ अच्छा कर। लो कर लो बात। करीम भाई चलो। ये 1000 रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? पास नहीं होता है ये फिल्म उनके लिए नहीं होती है। अरे सुन, आज उधारी का लास्ट दिन है, मैथ्यू ने धमकी दी है। वो तो बहुत पहले से ही दे रहा है। ये फिल्मों में एक्टिंग करने लग गया तो हमारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। ये कौन है? तुम में से कौन है एंटोनी? मैं नहीं हूँ। मैं हूँ भाई, आप कौन है? वो तो अच्छा हुआ उसका पांव फिसल गया, नहीं तो तुम्हारी हड्डी भी टूट सकती थी।
वो नए लड़के थे, खूब देखकर ही डर गए थे साले। एंटोनी तुझे क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं भाई, मैं सोच रहा था कि हमको मारने की साजिश किसने की। फोन रखो, बाद में बात करता हूँ। जाफर, लड़के टिल्लू की गैंग के थे, फिरौती थी और फिरौती प्रेम कुमार के मैनेजर एलेक्स ने दी थी। सुरी, अपने लड़कों को बुलाओ, अभी जाकर उस गिदड़ को उसकी औकात बताते हैं। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? अगर तुम उसे बदला लेना चाहते हो तो उसे वापस जाकर मारना बुद्धिमानी नहीं है। उसे उसकी दुनिया में हराओ, तुम उस फिल्म में एक्टिंग करोगे। करीम भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर तुम जाकर उस फिल्म में एक्टिंग करते हो जिसमें से उसे निकाल दिया है तो उसे सबसे ज्यादा चोट लगेगी और उस चोट का असर हम बैठे बैठे ही देखेंगे ना। की वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में थी, आज हम उसकी शूटिंग लोकेशन पर आए हैं। लेकिन प्रेम कुमार को फिल्म से हटाए जाने का रीजन अब तक छुपाया जा रहा है। फाइव मास्टर धर्मराज के असिस्टेंट टोनी को आदित्य सर अभी हमसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे और हम इसे आने वाली एक बहुत बड़ी हिंदी फिल्म। ये पहली बार होगा कि किसी फाइटर को हीरो बनने का मौका मिल रहा है और हम यहाँ बहुत बड़ी एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। और एंटोनी जो आदित्य की फिल्मों में कुछ फाइट सीक्वेंस में ड्यूप भी बन चुके हैं, वो पहली बार हीरो बनकर के पर्दे पर आएंगे और देखते हैं कि दर्शकों का क्या रिस्पॉन्स होता है उनके लिए। सर चाहे कुछ भी हो, न्यूज या टेलीविजन रिपोर्टर्स इसके बारे में बहुत गॉसिप कर चुके हैं। अब ये फिल्म बहुत पॉपुलर होने वाली है, अब आप ही बता दीजिए इन्हें रोकना है या जाने के लिए कहना है। उनको रोको अभी, एंटोनी के फेस को ऑडियंस के दिल तक पहुंचने दो। मैंने एक रोमांटिक हीरो को हटाकर उसे इंट्रोड्यूस किया है, पब्लिक उसे जानने के लिए उत्सुक होगी। ये बिल्डअप फिल्म के लिए अच्छा है। सुरेश एक मिनट। हाँ, एक कॉम्पैक्ट फ्रेम और स्ट्रेट ट्रैक। कॉम्पैक्ट फ्रेम में स्ट्रेट चार्ज। ओके, उसके बाद हम पहले उसे डायलॉग के लिए कहेंगे। डायलॉग ये रहे सर। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मास्टर। गुड मॉर्निंग। क्या है कि एंटोनी पहली बार एक्टिंग कर रहा है, सोचा मेरे आने से उसे अच्छा लगेगा। अच्छा क्या, उसने बहुत सारे फाइट सीक्वेंस किए हैं लेकिन एक्टिंग और डायलॉग उसके लिए पहली बार है। मास्टर के आने से उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, मैं जानता हूँ। सत्या, एंटोनी कहाँ है? वो सुबह सुबह आ गया था, उसका मेकअप और कॉस्ट्यूम भी हो गया है। वैसे कल रात को आकर वो अपने डायलॉग्स भी लेकर चला गया है। चर्च में शूटिंग हो रही है इसलिए अंदर कैंडल जलाने चला गया, अभी आता ही होगा। वो देखो आ गया अपना हीरो। करके आ रहे हो, कॉन्फिडेंट हो ना? कॉन्फिडेंट? बिल्डिंग से कूदना और आग में दौड़ना इससे आसान है सर, लेकिन आधा पेज डायलॉग याद करना और बोलना डर सा लग रहा है। फर्स्ट शॉट में मैं तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रहे, बस डायलॉग पूरी बोल देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा फेस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर के लिए एकदम फिट है, कॉन्फिडेंस मत खोना। मैं कोशिश करूंगा सर। हाँ, ऑल द बेस्ट मास्टर। तुम्हें खूब सफलता मिली बेटा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। डायलॉग याद है ना? हाँ? क्या डायलॉग? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके सर। ओके। एंटोनी रेडी? रेडी सर। सत्या रेडी सर। कैमरा रोल। रोलिंग। एक्शन। 15 साल का था मैं जब विरार की एक चाय की दुकान में मलिक मिस्त्री ने पहली बार मेरे हाथों में हथियार थमाया।
इससे पहले कि मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होती, वो मेरी इस अंधेरी जिंदगी में आशा की एक किरण बनकर आई। उसने मुझे सब कुछ भूलने को भी नहीं कहा, न कभी सुधारने की कोशिश की, पर पता नहीं क्यों उसका मुझ पर असर होता गया। उसकी उस खामोशी ने ही मेरे अंदर के शैतान को खत्म किया और मुझे उसने जीना सिखा दिया। कट। बोल्डनेस और सिंसियरिटी मेरे एक्टर के लिए काफी है। बस एक चीज का ध्यान रखना, तुम हीरो बने हो, बहुत सारे विलेन तुम्हारे लिए रेडी रहेंगे। इस फिल्म के सेट पर तुम्हारे और सेट के हर मेंबर की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। इस फिल्म की शूटिंग पूरी करना तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए है। इट्स माई ड्रीम प्रोजेक्ट। तुम्हें मुझे भरोसा दिलाना होगा कि जब तक ये फिल्म बनती रहेगी, किसी भी कारण से तुम इस सेट से बाहर नहीं जाओगे। सर, गुड एंड वेल। ठीक है भाई, ये लीजिए सर। हाँ देखिए सर। हाँ अभी ठीक। ओके चल। हाँ
एंथोनी कल अपना कॉलेज में शूटिंग है, सीन अच्छी तरह से याद कर लेना। हाँ, सब हो जाएगा। करीम भाई आप यहाँ, जरा इधर आओ। आपको इन्होंने हाथ तो नहीं लगाया ना बाबा? ओह यार, इतनी हिम्मत किस में है जो हाथ लगाए। आओ चलता हूँ साहब। ओह तुम्हें अपना काम छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। बिना मुझसे पूछे मेरी ही गाड़ी लेकर आप बेवरेजेस कॉर्पोरेशन चले गए थे, को पता नहीं था क्या? बेवरेज कॉर्पोरेशन में हम गाड़ी नहीं चला सकते, ऐसा कौन सा कानून है मुझे बताओ। अब मैं ना, मेरी बात सुनो, बेवरेज कॉर्पोरेशन में गया था लेकिन जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया मैंने शराब नहीं पी थी, तुम्हारी कसम बोल रहा हूँ। ये देखा ना। अब चलिए घर छोड़ देता हूँ। हाँ चलता हूँ, लेकिन मुझे वो चाहिए जिसके लिए इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था बेटा। चलो चलो। क्या हुआ, तू एक्टर बन गया और अपने बाप को? चलो बैठो। क्या हुआ, अब बैठो भी। चलो ना चलो। चलो आओ। ठीक है चल। हेलो वो लोग अभी यहाँ से निकले हैं। थप्पड़ मारूंगा इडियट, मैंने 100 बार बोला था कुछ भी हो जाए उसे सेट से बाहर नहीं जाने देना था। सेट के बाहर वो सेफ नहीं है, बाहर कौन उसे ढूंढ रहा होगा ये बात हर किसी को पता है, फिर भी उसे यहाँ से जाने दिया। हमें पता ही नहीं चला सर, वो अपने बाबा को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन चला गया, ये बात भी हमें इससे पता चली सर। बाबा को छुड़ाने वो खुद पुलिस स्टेशन क्यों गया, हम अपने वकील से हैंडल करवा सकते थे ना। एक के बाद एक प्रॉब्लम, इस फिल्म के लिए कांटों पे चल रहा हूँ मैं, जितनी जल्दी हो सके उसे वापस ढूंढ के लाओ, उसके बाद शूटिंग की प्लानिंग करेंगे। गो। आओ, आओ, आओ। अरे मैं नहीं करूंगा बेटा, तू मेरे साथ है ना। माँ क्या बोल रही थी? अरे वो ये बोल रही थी कि जैसे जवान लड़कियां शाहरुख खान और सलमान खान की फोटो दीवार पर चिपकाती है ना, वैसे ही उसने तेरी बड़ी सी फोटो दीवार पर लगा दी है। वैसे भी मेरी तुझे देखकर हैरान हो जाएगी। मुझे नहीं, आपको देखकर। और उन्हें ये पता चला होगा ना तो घर के बाहर डंडा लेकर खड़ी होंगी वो, आपका इंतजार कर रही होंगी। ऐसा नहीं है, तुमने बताया था ना कि कल तुम कॉलोनी में शूटिंग करने वाले हो, तो आज वो तुम्हें देखकर हैरान हो जाएंगे, ये बात है। तब तो ठीक है, मेरी को एक झटका दे देना, कल की शूटिंग खत्म होने तक आप दारू पीते ही रहेंगे, है ना बाबा? हाँ, अभी अभी निकले हैं, तुम पकड़ो उन्हें, मैं पीछे से आ रहा हूँ। ओके चलो। तुम गाड़ी हटाओ, रास्ते से गाड़ी हटाओ।
प्यार देख के उन्हें जलन हो रही है। तुम फिल्मों में बहुत बड़े एक्टर बन जाओ, यही मेरी इच्छा है बेटा। क्या सोच रहे होगे? जिन्होंने तुम्हारे बाबा को मारा उन्हें माफ कर दो, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन तुम एक काम जरूर कर सकते हो। तुम हीरो बनकर अपने बाबा का सपना पूरा कर सकते हो। तुम अपने बाबा की हार चाहते हो, उन सबको हरा कर। नहीं ना, माफ मत करना उन्हें, हर हाल में बदला लेना। बचपन में जैसे अपने कॉलेज के लिए अपने दोस्तों के साथ लड़ते रहे, वैसे अपने बाप को दफनाने के बाद वो यहां पर आएगा ऐसा मुझे लगा था, लेकिन मैं गलत था। अगर आदित्य ने कल शूटिंग शुरू कर दी ना, तो वो एंटोनी कल का स्टार होगा, फिर तू बहुत पछताएगा। अगर ये फिल्म सुपर हिट हुई तो प्रेम कुमार सुपरस्टार हुआ था। चुप कर। पहली बार जब तुझे उसे मारने के लिए भेजा तो तू उसी के दोस्त का निशाना बन गया, और तूने ऐसा बहाना बनाया कि नए लड़के को 1,00,000 रुपए देकर उसके बाप को मारने को भेजा। ये खेल कैसे खेलते हैं इस प्रेम कुमार से सीख। चल अब चुपचाप निकल। हाँ प्रेम, बोलो कैसे करना है। आप आ गए, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ऊपर आइए। कल किसी भी कीमत पर उसकी शूटिंग नहीं होगी, ये मेरा पर्सनल रिवेंज भी होगा उससे। ये थॉमस एलेक्स तुमसे वादा करता है। ओके ना, ओके मास्टर। हाँ, एडिंग में टॉप वाला शॉट बहुत अच्छा है। हाँ, वहीं पर कट करेंगे। हाँ, शिफ्ट करें। हाँ, शिफ्ट।
क्या कोई खास बात है सर? अभी तक इस फाइव स्टार कॉलोनी में पुलिस पहले कभी नहीं आई। उसके लिए कोई कानून नहीं है। इस कॉलोनी में रहने वाले एंटोनी को अरेस्ट करने का वारंट है, हमें रोको मत। किस जुर्म में आप गिरफ्तार करना चाहते हैं एंटोनी? खड़े रहकर बकवास मत करो, मारो सबको। सर आज आप दोबारा आ गए, एक बार आप यहाँ पहले भी आए थे तो आपको जाने में बहुत परेशानी हुई थी, वो आपके चेहरे पर दिख रही है। क्या बात है सर? इनको भी बताओ। परेशानी कोई नहीं है, बहुत पहले इस कॉलोनी में एक गुंडे को पकड़ने के लिए पुलिस यहाँ आई थी तो कॉलोनी के कुछ लोगों ने सीआई के साथ 7-8 पुलिस वालों पर अटैक किया था। उस समय अंधेरा होने की वजह से हम मुजरिम को पकड़ नहीं पाए, फिर केस को पोस्टपोन कर दिया गया। उनमें से एक मुजरिम अभी पकड़ा गया है और उसने अपने बयान में सारे मुजरिम के नाम बताए हैं और इसीलिए हम उसे अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेके आओ उसे। सर। यस सर। मैं भूला नहीं हूँ, उस रात मेरे सिर पर पत्थर मारा था अर्जुन और उसके दोस्तों ने, आज मैं उसे लेकर ही जाऊंगा, किसी भी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं उसे। हराम खोर कहीं के। सर बस केवल 2 घंटे की बात है, शूटिंग पूरी हो जाएगी। सर ये बहुत सारे परिवारों की रोजी रोटी और इसे बनाने वाले बेचारे प्रोड्यूसर की जिंदगी और मौत का सवाल है। इस तरह से किसी को पकड़ के ले जाना अच्छी बात नहीं है, कानून के खिलाफ है। ये सब टार्जन एंटोनी के लिए है, हम दोनों जानते हैं कि बात क्या है, लेकिन ऐसे ट्रीट नहीं करना। नहीं हो सकता, हम उसे कोर्ट बंद होने से पहले मार ले जाएंगे और उसके बाद टार्जन एंटोनी जाएगा सब जेल, वो भी रिमांड के साथ। हम पुलिस वाले हैं, हमें छेड़ने वालों को हम कभी छोड़ते नहीं है। तो अब क्या करें, ये सुनने को तैयार नहीं है, बहुत जिद्दी है। एक काम करो, शूटिंग खत्म होने तक इन्हें अंदर मत आने दो। शूटिंग खत्म होने तक आपको यही रुकना होगा। अगर आप लोग नहीं रुक सकते तो एंटोनी के साथ साथ हम सभी कॉलोनी वालों को भी गिरफ्तार करना होगा। लोकल पुलिस के पास इतने सारे पैसे होंगे क्या? एंटोनी को अरेस्ट करने गए एसपी और दूसरे पुलिस वालों को उन लोगों ने बाहर ही रोक लिया और कॉलोनी वाले कह रहे हैं कि शूटिंग खत्म होने तक नहीं हटेंगे। बाबा की कब्र की मिट्टी अभी सूखी भी नहीं है, तेरे सीने में तलवार उतारने में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी, लेकिन मैंने अपने प्यार को कसम दे रखी है इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूं, पर मैं वापस आऊंगा और याद रखना, चुन चुन के मारूंगा। बिल्कुल एंटोनी। ओके था सर? ओके नहीं, एक्सीलेंट था। सत्या हाँ, सब कुछ कंप्लीट हो गया सर, थैंक यू। कुछ बैलेंस? बिल्कुल कंप्लीट। पक्का? पक्का। हे भगवान। सर ले जा सकते हैं सर, तालिबान मिलिट्री कोर्ट ले जाओ या कहीं और सेंट्रल जेल, या पुणे जेल है ना, जहां मन है वहां ले जाओ, मन कर दो इसे। 7 दिन की पुलिस कस्टडी, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी, नियम यही कहता है। मुझे देश के कानून पर पूरा भरोसा है, मेरी फिल्म रिलीज से पहले ये सबके सामने होगा। और बता दूं,
तुम्हारी पूरी पुलिस फोर्स मिलकर एंटोनी को इस जमीन से अलग नहीं कर सकती। हम इसे रेस्पेक्ट के साथ आपको सौंप रहे हैं और बदले में हम सेम उम्मीद करते हैं जब एंटोनी आपके कस्टडी में होगा। अगर आपने इसे चोट पहुंचाई तो ये लोग आपको और आपकी फैमिली को बहुत चोट पहुंचाएंगे। चलो एंटोनी। तुम्हें बाहर ना आने दिया जाए। फिल्म के रिलीज के लिए प्रोड्यूसर को कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन आदित्य सर इस बात पर अड़े रहे कि तुम्हारे आने के बाद ही फिल्म रिलीज करेंगे। एंटनी, आज वो फर्स्ट शो का दिन है, चलो। आपने कहा इंतजार करो, अपने बाबा को दफनाने के बाद मैं शूटिंग पर आया और फिल्म खत्म। उसके बाद भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, अरेस्ट किया, जेल भेजा। मैंने बहुत दिन इंतजार किया बाहर आने का। आज हमारी फिल्म रिलीज हो रही है सर, आप ही बताइए, अब मुझे और इंतजार करना चाहिए? नहीं, तुम जाओ, अपने सारे हिसाब निपटाकर अपने दिल का बोझ उतारकर एक नया एंटोनी बनकर वापस आओ। हम तुम्हारा इंतजार थिएटर में करेंगे। करीम भाई, कहाँ है वो? रश सेंटर लॉयला होटल, पिछले महीने उसके बाप होम मिनिस्टर ने खरीदा है, वही उसका नया अड्डा है। Thank you.
मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि वो तेरे लिए एक तोहफा होगा। तू जिएगा, मुझे उस जिंदगी को जीते हुए तुझे देखना होगा। मुझे देखकर हर दिन हर पल तू पल पल मरेगा। साधारण फाइटर लड़के से गौरी प्यार कैसे कर सकती है, ये सवाल था। लेकिन आज गौरी का प्यार एक हीरो है, जनता का चहेता हीरो। अब चाहो तो तुम उससे रोमांस करो या शादी कुछ भी कर सकती हो। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक फ्राइडे सब कुछ होता है मास्टर, और आज उसका फ्राइडे है।